जीतने वालों को मेरा सलाम। मैं शरद अग्रवाल बेटा। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 2, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 10 केस स्टडीज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 लास्ट वीक। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू केस स्टडीज एंड केस सिनेरियो ऑफ चैप्टर नंबर 2, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द टॉपिक ऑफ केस स्टडीज और केस सिनेरियो? There are total 4 topics which are covered in those 5 case studies. Yes, you heard it right. There are total of 5 case studies, including the case scenario in this chapter, Modern Business Environment. One case study is related with business excellence model. That case study has also been asked in the examination for 10 marks. Next case study, a very good case scenario related to TQM, Total Quality Management. A very good case scenario, undoubtedly. Next is gain sharing arrangement. इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। आरटीपी मई 2020 के पहले ये एक अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में जाता था। रीजन बहुत सिंपल था, आपके पूरे स्टडी मटेरियल में इसको डेडिकेट किया गया था अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ अ सिंगल पेज। तो हर टीचर को, हर स्टूडेंट को भी लगता था ठीक है, एक जनरल टॉपिक है, एक बार पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन में आया तो रिप्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन परसेप्शन ही चेंज हो गया बेटा जब आरटीपी मई 20 की रिलीज हुई। उसमें 2 फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, एंड एक क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा 10 मार्क्स के भी अबाउ था, 12-16 मार्क्स का क्वेश्चन था अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 5। उसके बाद इसका परसेप्शन ही बदल गया गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कमिंग अटेम्प्ट मई 20 एंड सॉरी नवंबर 20 एंड मई 21 अटेम्प्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आरटीपी मई 20 पे फोकस किया था, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसका इनपुट आपको नवंबर 20 में या मई 21 के एग्जामिनेशन में भी मिले। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, उससे रिलेटेड अपने पास एक केस सिनेरियो है यहाँ पे। फिर 2 केस स्टडीज है आपके पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो टोटल आप देखेंगे तो आज के लेक्चर में अपन 5 केस स्टडी कवर करेंगे, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, टीक्यूएम एंड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के एक सिंगल सिंगल केस स्टडी, एंड 2 केस स्टडीज आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो राइट नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट द वेरी केस स्टडी नंबर 1, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। जस्ट बेटा मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं व्हाट इज बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, फिर मैं आपको इस केस स्टडी या केस सिनेरियो भी बोल सकते हो आप इसको, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, सबसे पहला वर्ड है इसमें एक्सेलेंस, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। What is excellence? Excellence means doing above perfection. जब आप कोई चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हो तो हम बोलते हैं you have achieved the excellence. तो excellence means doing above the average level of performance. Now what is business excellence? अब excellence word अगर मैं business के साथ जोड़ दूं तो what do you mean by business excellence? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। अचीविंग एक्सीलेंस इन एवरी थिंग, अचीविंग एक्सीलेंस, आप मेरे साथ में रिपीट करिएगा बेटा, अचीविंग एक्सीलेंस इन एवरी थिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज। सर ये आपका एवरीथिंग बोलने का मतलब क्या है? एवरीथिंग में लीडरशिप आ गया, उसमें भी मुझे एक्सीलेंस चाहिए। एवरीथिंग में मेरा बिजनेस प्रोसेस आ गया, उसमें भी मुझे एक्सीलेंस चाहिए। एवरीथिंग में मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेस आ गया, उसमें भी मुझे एक्सेलेंस चाहिए। एवरीथिंग में मेरी स्ट्रेटेजी आ गई, उसमें भी मुझे एक्सेलेंस चाहिए। फिर मैंने बोला एवरीथिंग में आपका एम्प्लॉय आ गया, उसमें भी मुझे एक्सेलेंस चाहिए। मतलब जब आप एक बिजनेस एक्सेलेंस वाले कंसेप्ट को कंपेयर करेंगे दूसरे कंसेप्ट के साथ, सच एज JIT, TQM, TPM, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, JIT सिनेरियो में जाना, TQM इंप्लीमेंट करना, TPM इंप्लीमेंट करना, लेकिन ये जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये फोकस करते एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फंक्शन पे। चाहे मैं JIT की बात करूं, वो होल्डिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, इन्वेंटरी होल्डिंग पर। TQM की बात करूं तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी पर, कस्टमर के व्यू पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। TPM की अगर मैं बात करूं तो मशीनरी के मेंटेनेंस पर वो बहुत ज्यादा फोकस करता है। कहने का मतलब जितने आपके सिलेबस में स्पेशलाइज टॉपिक है उनका एरिया लिमिटेड है, उनकी जो सोच है वो सिर्फ एक साइड जाती है। जबकि जो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है
ये बहुत एक वास्ट कंसेप्ट है, इट इज मच अबाउट देन द क्वालिटी कंसेप्ट, क्योंकि आपने बोला आपको बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करना है इन एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कस्टमर रिलेटेड हो, चाहे वो लीडरशिप रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एरिया ए से लेकर एरिया जेड तक हर जगह परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करते हो, तो देन दैट कंसेप्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट इज नोन एज बिजनेस एक्सीलेंस। ठीक है, अब बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल क्या है? अब बहुत सारी, ये चालू हुआ था बेटा यूरोपियन कंट्रीज से, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को टेस्ट किया कि कैसे हम एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। तो जिन जिन बंदों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एक्सीलेंस को अचीव किया, उनके एक्सपीरियंस को जब हम क्यूमुलेटिवली एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क में लिख देते हैं, तो उसको मॉडल बोला गया है। तो आपके सिलेबस में टोटल 5 बिजनेस मॉडल दिए गए हैं, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल दिए गए, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस हुए हैं। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो टाटा जो कंपनी है उसका अपना एक बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है। इंडिया में देखेंगे तो अगर आप गूगलिंग करेंगे बेटा तो करीबन 4 बिजनेस मॉडल आपको मिल जाएंगे, जिनके आधार पर इंडियन कंपनीज अपने परफॉर्मेंस को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, लगातार इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो एक्सीलेंस इज डूइंग एवरीथिंग अबाउ द लेवल, बिजनेस एक्सीलेंस अचीविंग एक्सीलेंस इन एवरीथिंग, लीडरशिप, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी, कस्टमर, एम्प्लॉय, एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल जो जिन जिन कंपनियों ने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो किया है अलग अलग एरिया में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, उनका एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बना दिया गया और उसको मॉडल बोल दिया गया। अब आते हैं बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो टोटल आपके पास 4 रिक्वायरमेंट पार्ट है। इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट पार्ट जनरल है, जनरल मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको पूरे पूरे मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं भी अप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है, मेमोराइजेशन ऑफ कंसेप्ट इन्वॉल्व है। लेकिन कुछ आप देखेंगे रिक्वायरमेंट पार्ट ऐसे है जहां पे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का जो कंसेप्ट है, ना सिर्फ आपको उसको थ्योरेटिकली एक्सप्रेस करना है, बल्कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए उसको अप्लाई करके भी बताना है। ऑन मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स अनडाउटेडली इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटिंग टू बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। शीट अवेलेबल है बेटा, ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हूं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बेटा। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम जल्दी से जल्दी आपको और भी केस स्टडीज के लेक्चर विद मोर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हम आपको प्रोवाइड कर सके। यही हमारे लिए एक मोटिवेशनल लेवल का काम करता है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट का जो भी यूट्यूब के द्वारा आपको कोई भी कंटेंट देता है तो उनको मोटिवेट जरूर कीजिएगा बेटा। ईच एंड एवरी टीचर डिजर्व दैट मोटिवेशन फ्रॉम यू। सिंपली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए जल्दी से एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एज अ गेस्ट लेक्चरर एट अ सिंपोजियम फॉर बिजनेस एक्सीलेंस वेयर यू आर गिविंग अ लेक्चर ऑन सस्टेनिंग बिजनेस एक्सीलेंस, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ फैशन क्लॉथिंग लाइन इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एट द सिंपोजियम, ही हैज द फॉलोइंग क्वेरी। तो आप एक लेक्चर दे रहे हो बिजनेस एक्सीलेंस के ऊपर, आपकी ऑडियंस में से एक बंदे ने अपनी क्वेरी रेज किया है। वो जो बंदा है वो मैन्युफैक्चरर है फैशन क्लॉथिंग का, क्या क्वेरी है? नेक्स्ट पैरा में दिया है, लेट्स रीड आउट दैट पैरा। वी आर एन अपैरल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल आवर फैशन क्लॉथिंग एंड एसेसरीज डायरेक्टली थ्रू 30 स्टोर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ये पैरा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? जस्ट मैंने आपको बताया टोटल 4 रिक्वायरमेंट पार्ट में से कुछ रिक्वायरमेंट पार्ट थ्योरेटिकल है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द क्वेश्चन, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट पार्ट में अप्लीकेशन इन्वॉल्व है। आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब पर्टिकुलरली आपने ये जो बंदा है मैन्युफैक्चरर है और फैशन क्लॉथिंग इंडस्ट्री, इसकी रिक्वायरमेंट को, इसकी फीचर्स को बहुत माइन्यूटली पढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा बेटा अप्लीकेशन का, क्योंकि यहीं से चीजों को आपको फिर इमेजिनेशन लेवल में ले जाके उसको कन्वर्ट करना है अपने आंसर में। तो बंदा बता रहा है हम अपैरल कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर भी है, सेल भी करते हैं फैशन क्लॉथिंग एंड एसेसरीज डायरेक्टली थ्रू 30 स्टोर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। हमारे 30 रिटेल स्टोर है, उन रिटेल स्टोर के थ्रू हम अपने जो फैशन क्लॉथिंग एंड एसेसरीज है वो मैन्युफैक्चर करके सोल्ड आउट करते हैं।
Shortly, we are planning to establish similar outlet overseas. अब हम overseas market में भी अपना presence बनाना चाहते हैं. Our business is under constant change due to changing customer trend. ये बहुत important line है, ये नहीं भी बोलता तो बेटा imagination line में बिल्कुल आना चाहिए आपके ये, क्योंकि clothing and accessories नहीं बोला है, fashion clothing and accessories बोला है. और खासकर इस industry में देखेंगे तो consumer का preference, कंज्यूमर का टेस्ट कहीं भी स्टैटिक नहीं रहता. हर दो तीन महीने में कुछ ना कुछ कंज्यूमर का ट्रेंड चेंज होता है. तो बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप उसको क्लॉथिंग एपेरल डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. एट द सेम टाइम वी आर द लार्जेस्ट कंपनी इन अवर इंडस्ट्री सेगमेंट इन इंडिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट. फिर वो अपनी बात बता रहा है, हम इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है, न सिर्फ मार्केट शेयर में बल्कि हमारे प्रॉफिट और टर्नओवर में भी. वी हैव अ सर्टिफाइड बेस ऑफ कस्टमर हु आर लॉयल टू अवर ब्रांड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी न सिर्फ हम मार्केट के लीडर हैं, हमारा मार्केट शेयर भी ज्यादा है, बल्कि जो हमारे कस्टमर है वो हमारे से सर्टिफाइड है एंड दे आर लॉयल, मतलब रिपीटेडली वो हमसे परचेज करते. कहने का मतलब हम उनकी एक्सपेक्टेशन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे होंगे. जो एवर चेंजिंग नीड होती है इस इंडस्ट्री की, वो हमारे लिए परफेक्शन का काम कर रही है. शेयर होल्डर आर ऑल्सो सर्टिफाइड स्टेक होल्डर ड्यू टू गुड रिटर्न प्रोवाइडेड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. ऊपर वाली लाइन भी बोला था, हम मार्केट लीडर है न सिर्फ मार्केट शेयर में बल्कि प्रॉफिट में भी, तो शेयर होल्डर भी हमारे से सर्टिफाइड है. व्हाट वुड बी द रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल टू अवर कंपनी. हमारा कस्टमर हमारे से सर्टिफाइड है, हमारे शेयर होल्डर हमारे से सर्टिफाइड है, तो फिर बिजनेस एक्सेलेंस का हमारे लिए क्या रेलिवेंस है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है बेटा. देखिए, अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, मैं अपने शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं सोचूंगा कोई ना कोई नई टेक्निक अप्लाई करने में. जब मैं मार्केट लीडर हूं, ना सिर्फ मेरा मार्केट शेयर हाईएस्ट है बल्कि मेरा प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, मेरा कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, मेरा कस्टमर भी लॉयल है, मेरे शेयर होल्डर भी खुश है क्योंकि मैं उनको बेटर आरओआई प्रोवाइड कर रहा हूं, सो व्हाई शुड आई अडॉप्ट द बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल. ये क्वेरी है एक बंदे की, जिस जगह आप अपना लेक्चर दे रहे हो ऑन बिजनेस सस्टेनिंग मॉडल, दैट इज बिजनेस एक्सेलेंस. यू आर रिक्वायर्ड टू फ्रेम एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेरी. अब जो क्वेरी रेस किया है उसने कि मैं क्यों ये अडॉप्ट करूं बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, इसके लिए आपको एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन. पहला पॉइंट ये पूछा है. List the tools available to achieve and sustain excellence. ये second point है. Apply the fundamentals of EFQM model on the apparel company and explain the relationship between various criteria of the model in general terms. तो सबसे पहले मैं question आपसे ये पूछना चाहूंगा बेटा, इन चारों में से कौन कौन सी requirement part आपको लगता है जो general है, जिसमें कहीं भी मुझे इस कंपनी से रिलेटेड बात नहीं करना है, जो अपैरल कंपनी है इससे रिलेटेड बात नहीं करना है. मतलब ये डिस्कशन अगर कोई मुझे दूसरे क्वेश्चन में भी पूछता है तो भी मैं वहां पे एज इट इज इसको अप्लाई कर सकता हूं. मैं देना चाहूंगा बेटा आपको 30 सेकंड. आप सोचिए इन चारों रिक्वायरमेंट पार्ट में से कौन सा मेरे लिए सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट है. जस्ट मेरा वहां पे मेमोरी टेस्ट होगा कि क्या मुझे वो पॉइंट स्टडी मटेरियल में बताया गया मुझे याद है या नहीं है, और कौन से मुझे न सिर्फ मेमोराइजेशन काम आएगा बल्कि इसको मुझे अप्लाई भी करना पड़ेगा टू द गिवन सिचुएशन. मैं वेट करता हूं बेटा आपका 30 सेकंड का, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन में हमें जनरलाइज्ड आंसर लिखना है या क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर भी लिखना है. भी बोला मतलब जनरल आंसर तो लिखा ही जाता है थ्योरेटिकल, उसके अलावा क्या हमें अप्लाई करके भी देना है. 30 सेकंड है आपके पास. बोलो बेटा, रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1, रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 एंड रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 4. ये जो तीन रिक्वायरमेंट पार्ट है दे आर द जनरल रिक्वायरमेंट पार्ट. अगर बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को आपने समझा है, उसको अच्छे से रटा है, मैं यहां पे बोलूंगा बिल्कुल मगअप किया है, तो बहुत कंफर्टेबली आप रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1, 2 और 4 बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो. जबकि रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 3 में एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड दिया है,
apply the fundamental of EFQ model on the apparel company. आपको apply करके बताना है जो fundamental है EFQ model के, उसको इस apparel company में कैसे वो apply होंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते बेटा, तीन point मैंने बताया, 1, 2 and 4 general है, और जो fourth point है definitely ये आपको apply करना है along with your memorization technique. तो सबसे पहला point है explain the importance of business excellence to an organization. ये बहुत important role play करेगा पहला वाला requirement part, क्योंकि जब आप सामने वाले की query देखोगे वो बोल रहा है मैं market leader हूँ, profit मेरा अच्छा है, shareholder मेरे से satisfied है, कस्टमर मेरे से सेटिस्फाइड है, तो क्यों मैं बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल अप्लाई करूं? आप मुझे बता रहे हैं इसके बेनिफिट, लेकिन आप मुझे बताइए मैं क्यों अडॉप्ट करूं? व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल? तो देखिए किसका क्या स्ट्रक्चर होगा. सबसे पहले आप इसमें यह लिखेंगे कि बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल जो है यह कोई पर्टिकुलर स्टेक होल्डर पर ध्यान नहीं देता है, यह सभी स्टेक होल्डर को साथ में लेके चलता है. बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, मैंने आपको डेफिनेशन भी शुरुआत में शेयर किया था, अचीविंग एक्सीलेंस इन एवरीथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन डज. अचीविंग एक्सीलेंस इन एवरीथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन डज. तो सबसे पहला पॉइंट हम इंपॉर्टेंस बताएंगे, ये जो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है ये कोई पर्टिकुलर एरिया कवर नहीं करता है, ये सभी एरिया कवर करता है, सभी स्टेक होल्डर की नीड को, एक्सपेक्टेशन को ये फुलफिल करने की कोशिश करता है, चाहे वो मेरा शेयर होल्डर हो, चाहे वो मेरा लोन प्रोवाइडर हो, चाहे वो मेरा एम्प्लॉयज हो, चाहे कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, डिफरेंट. जब भी ये टॉपिक आता है ना बेटा, मुझे याद आती है परफॉर्मेंस प्रिज्म की, जो आपका चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक है, वो भी उसका भी कंसेप्ट और ये जो पहला इसका इंपॉर्टेंस है लगभग मिलते जुलते हैं. वो परफॉर्मेंस प्रिज्म में भी हम सभी स्टेक होल्डर की नीड को ध्यान में देते हैं, वही पॉइंट यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट है. जब भी हम बिजनेस एक्सीलेंस की बात करते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस नहीं करेंगे, हमें हर एरिया को इक्वल ध्यान देना है. मतलब जो जो बंदे हम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच है, हर वो बंदे की नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेटेजी बनाना है. ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंस आप बताएंगे. सेकेंड आप बताएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशन पार्ट से ही ओरिजिनेट होता है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन. आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक एरिया पे आपकी मास्टरी है, दूसरे एरिया पे नहीं है, इट डजंट मेक सेंस. जैसे हम जब अपना लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं बेटा और बच्चों को डिलीवर करते हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग है. एक सक्सेसफुल टीचर के लिए हमें हर एरिया पे ध्यान देना पड़ेगा, ना सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, थ्योरेटिकल रिलेटेड हो, प्रेजेंटेशन रिलेटेड हो, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, फिर बच्चों का क्वेरी रिजॉल्विंग, मतलब इन एवरी एरिया जब एक टीचर परफेक्शन अपना देता है तब जाके वो एक सक्सेसफुल टीचर कहलाता है. तो इसी प्रकार से यहां पे भी आप देखेंगे तो हर एरिया इन एवरी एस्पेक्ट, अचीविंग एक्सीलेंस इन ऑल द एस्पेक्ट विल मीन टू बिजनेस एक्सीलेंस. चाहे वो प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना हो, चाहे क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना हो, चाहे एम्प्लॉई से रिलेटेड हो, चाहे आरओआई से रिलेटेड हो, हर एरिया में जब आप अपना मोर देन 100% अचीव करते हो तो वो बिजनेस एक्सीलेंस होता है. तो सबसे पहला मैंने क्या बताया बेटा इसका इंपॉर्टेंस, यह स्टेक होल्डर, सभी स्टेक होल्डर को ध्यान में देता है. सेकंड, ये हर ऑपरेशन में, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो प्रोसेस हो, एनीथिंग. देखिए बेटा ये जो डिटेल मैंने दिया हूं इट कैन बी इजीली चेंज विद अदर डिटेल. मैं इसको बिल्कुल ये लिख सकता हूं, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे एम्प्लॉय हो, लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट. इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल जब भी आप अप्लाई करते हो तो आप हर एरिया में अपने आप को एक्सेलेंस के टूवर्ड्स कन्वर्ट करना चाहते हो. एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. ये मॉडल आपको बताता है बिजनेस एक्सेलेंस कि अगर आप डिफरेंट रिजल्ट चाहते हैं, लोगों से सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू अचीव डिफरेंट रिजल्ट यू मस्ट डू द थिंग्स डिफरेंटली. इसमें एक कंसेप्ट है जो चौथा रिक्वायरमेंट पार्ट भी है, इनेबलर्स और रिजल्ट. जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं उस अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा. इफ यू वॉन्ट टू अचीव रिजल्ट डिफरेंटली यू मस्ट एक्ट, यू मस्ट डू द थिंग्स डिफरेंटली. इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का, कि बताता है कि जैसा आप रिजल्ट चाहते हो उसी अकॉर्डिंगली फिर आपकी सोच, आपके एक्शन भी कन्वर्ट होते हैं. दिस कैन बी बेटर एनालाइज थ्रू दिस बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल. तो जो पहला रिक्वायरमेंट पार्ट था 100% थ्योरेटिकल था, जिसमें हम तीन पॉइंट लिखेंगे. Then, can you recall three point?
सबसे पहला ऑल स्टेक होल्डर फोकस स्ट्रेटेजी, सेकेंड ऑल फोकस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन, हर एरिया पर वो फोकस करता है, एंड द थर्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जब आप आईसीआई का इसमें आंसर देखेंगे बेटा, तो कभी भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था 100% आप कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, आप मेन मेन पॉइंट उठाइए कि हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। जब भी इंपॉर्टेंस पूछेगा लैंग्वेज बिल्कुल आपकी चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30% लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, 70% लैंग्वेज आप अपनी बिल्कुल यूज कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आप तब लूज करते हो जब आप अपनी सोच को इस लेवल पर चेक करते हो कि क्या मैं जो सोच रहा हूं 100% वही आंसर स्टडी मटेरियल में दिया है क्या। थोड़ा भी डेविएट होता है 10-20%, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि जो एक स्टूडेंट सोच रहा है 100% आईसीआई भी वैसा सोचे। आईसीआई को भी ये पता है कि हर बच्चे का थिंकिंग पावर अलग अलग है, हर बच्चा जरूरी नहीं है एक ही वे में आंसर दे। तो आईसीआई ने हमेशा ये करा है और हमेशा वो करता रहेगा कि कभी भी वो ये नहीं देखता कि मेरे सजेस्टेड आंसर का आंसर कॉपी हुआ है क्या, खासकर इस पेपर में जहां भी अप्लीकेशन पार्ट इन्वॉल्व है। अगर आपका आंसर लॉजिकल है, अगर आपका आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट है जो रिक्वायरमेंट पार्ट है, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल रहे हैं बेटा। और मैं कोई ये आईसीआई की लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, मैंने कई बार जब बच्चे हमारे कॉपी भेजते हैं कि सर हमारा आंसर चेक कीजिए क्या हमें प्रॉपर मार्क्स मिले हैं, कई बार हमें भी सरप्राइज हुआ था शुरुआत में, खासकर नवंबर 18 में कि यार आईसीआई का आंसर अलग जा रहा है, बच्चे का आंसर अलग जा रहा है, फिर भी चूंकि ये लॉजिकल आंसर है, सिक्वेंस में दिया है प्रॉपर, तो इसको मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आप इसका आंसर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलती है जो आपने नहीं सोचा है। तो अपनी लर्निंग को दिन पर दिन बढ़ाते जाइए कि यार ये मैंने सोचा था, इसमें ये वैल्यू एडिशन मुझे और करना है। ठीक है बेटा, चलिए सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट, अ वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट पार्ट जो हमें बोला है, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हमारे पास बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के। तो ये जो पॉइंट है ये 100% आपके मॉड्यूल में दिया था। पांचों जो मॉडल है मोस्ट पॉपुलर मॉडल वो आपको लिख के आ जाना। सबसे पहला मॉडल, सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है EFQM मॉडल, यूरोपियन मॉडल है जो सबसे ज्यादा कॉमन है अमंग द बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में। तो जस्ट इन पहले दो रिक्वायरमेंट पार्ट में आपका मेमोरी टेस्ट हुआ था कि आपको चीजें याद है या नहीं। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और मेरा ज्यादा फोकस भी थर्ड में ही रहेगा आपको समझाने में, और वो है जो फंडामेंटल्स है EFQM मॉडल के। जब आप EFQM मॉडल देखेंगे बेटा, वो टोटल तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्सेलेंस, ध्यान से सुनिएगा, EFQM मॉडल टोटल तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्सेलेंस, सेकेंड इनेबलर्स एंड रिजल्ट, एंड थर्ड है रडार असेसमेंट लॉजिक। तो ये जो पूछा है अप्लाई द फंडामेंटल्स, तो ये पहला पार्ट पूछा है आपको EFQM मॉडल का, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ EFQM मॉडल। न सिर्फ आपको 8 फंडामेंटल्स ऑफ EFQM मॉडल जो दिए वो याद होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको इस अपेरल कंपनी में उसको अप्लाई करना आना चाहिए, इसके मार्क्स। आई रिपीट, आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा इस थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट के लिए। पहला ऑटो फंडामेंटल्स जो है उसकी हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, सेकेंड पॉइंट उस हेडिंग का जो कंटेंट है 1-2 लाइन में वो आपको लिखते आना चाहिए, फिर जो आपने कंटेंट लिखा उसको आप अप्लाई करके देंगे इस अपेरल कंपनी को कि देखिए ये पहला फंडामेंटल है, ये इसका मतलब ये है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप इस प्रकार से फंडामेंटल को अप्लाई करेंगे। तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, ध्यान समझिएगा, अप्लाई द फंडामेंटल ऑफ EFQM मॉडल ऑन द अपेरल कंपनी। तो देखिए टोटल 8 फंडामेंटल्स आपको दिए गए हैं यहां पे। व्हाट यू मीन बाय फंडामेंटल्स, मतलब इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी एक्सीलेंस को इमेजिन करती है, आई रिपीट, व्हाट इज फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्सीलेंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी एक्सीलेंस को इमेजिन करती है कि हमें एक्सीलेंस अचीव करना है आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 सालों में, तो क्या क्या बेसिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड है, क्या क्या बेसिक वैल्यूज रिक्वायर्ड है। अगर ये 8 पिलर्स आपने डेवलप नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, तो आप एक्सेलेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्सेलेंस, कि ये चीजें बिल्कुल हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये 8 बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, कब जाके वो एक्सेलेंस के बारे में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला फंडामेंटल है एडिंग वैल्यू टू कस्टमर। देखिए जब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हूं, तो मैंने इसको 2 पार्ट में बायफर्केट किया। अनडाउटेडली पहले मैं हेडिंग दूंगा,
क्या क्या 8 फंडामेंटल्स है, उसके बाद मैं इसका एक जनरल मीनिंग बता रहा हूं एक से दो लाइन में जो मुझे याद रखना है, फिर मैं इसको कितना भी एक्सपेंड कर दूं डिपेंडिंग ऑन द मार्क, फिर मुझे इसको अप्लाई करना है ऑन द अपेरल कंपनी। तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है बेटा, सबसे पहला फंडामेंटल है एडिंग वैल्यू टू कस्टमर। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको समझिए, अंडरस्टैंड योर कस्टमर, फिर उनकी नीड्स को आप, नीड करेंट नीड भी हो सकती है, एंटिसिपेटेड नीड भी हो सकती है। जब भी मैं उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो एक होती है कम्युनिकेटेड नीड और एक होती है एंटिसिपेटेड नीड, इसको आपको ध्यान देना है, और फिर आपको इनको फुलफिल करने के ओर ध्यान देना है। तो जब भी हम बोलते हैं एडिंग वैल्यू टू कस्टमर, वैल्यू का मतलब होता है जो कस्टमर मुझे पैसे दे रहा है उसके रिटर्न में उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे पहला फंडामेंटल है आपका 8 फंडामेंटल में से, आपको हमेशा अपनी सोच कस्टमर ओरिएंटेड रखना है कि कैसे मैं उसी प्राइस में कस्टमर को और भी ज्यादा वैल्यू एडिशन कर पाऊं और भी ज्यादा बेनिफिट दे पाऊं। अब मैं आता हूं अपेरल कंपनी में, क्वेश्चन ने खुद बोला है बेटा, ये देखिए ये वर्ड क्वेश्चन ने खुद बोला, और जब भी अप्लीकेशन बात आएगी तो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। अप्लीकेशन पार्ट में देखिए यहां से ये पॉइंट रिवॉल्व होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो अंडर कॉन्स्टेंट चेंज है ड्यू टू चेंजिंग कस्टमर ट्रेंड। तो यहां पे बहुत जल्दी जल्दी ट्रेंड चेंज होता है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं बेटा यहां पे, मैं सबसे पहले इसमें जा रहा हूं, अंडरस्टैंड योर कस्टमर। आप ये मत देखिए कि हम कस्टमर की नीड को कैसे फुलफिल करेंगे, दूसरे शब्दों में हाउ कस्टमर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड इज नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। सबसे पहले आप ये पहचानिए कि इस डायनामिक इंडस्ट्री में आप किस सेगमेंट में अपने आप को टारगेट करते हैं। हर एक कंपनी, जरूरी नहीं है बेटा इस फैशन इंडस्ट्री में, हर एक एरिया में टारगेट कर रही है। आप इंडियन अपेरल बिजनेस में जाना चाहते हो, आप वेस्टर्न अपेरल बिजनेस में जाना चाहते हो, आप किड्स में जाना चाहते हो, मैन क्लॉथिंग में जाना चाहते हो, वुमेन क्लॉथिंग एंड एसेसरीज में जाना चाहते हो, आपको एक अपना फोकस आइडिया डिसाइड करना पड़ेगा। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखिए बेटा, हर वेबसाइट का अपना एक क्रीम कस्टमर होता है, एक टारगेटेड सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट के प्रोडक्ट उस वेबसाइट में बहुत बेटर क्वालिटी के मिलते हैं, जबकि दूसरे सेगमेंट के प्रोडक्ट देखेंगे तो वो फोसो रहते हैं। तो अपने को पता है कि भैया ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं इस वेबसाइट में जाऊं, मुझे यहाँ पे चॉइसेस ज्यादा मिलेगी, क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे बेटर मिलेगी। तो सबसे पहला अंडरस्टैंड योर कस्टमर, आप पहले ये पहचानिए कि आपका जो कस्टमर बेस है, करेंट बेस, और जो आप और एक्सपांशन करके एक्वायर करेंगे, वो आपकी वेबसाइट को क्यों विजिट करेंगे, इंडियन अपेरल्स के लिए, वेस्टर्न के लिए, किड्स के लिए, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए। पहले ये डिसाइड कीजिए व्हाट नीड्स ऑफ द कस्टमर कैन बी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत वाइड है। अगर आपने हर एक की एक्सपेक्टेशन को एट अ टाइम फुलफिल करने की कोशिश किया तो डेफिनेटली देर आर 100% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी नो मेंस लैंड। तो अंडरस्टैंड देयर कस्टमर में हम क्या लिखेंगे, समझ गए बेटा, सबसे पहले कंपनी को हाउ नीड कैन बी फुलफिल्ड पर ध्यान न देकर व्हाट नीड ऑफ द कस्टमर कैन बी फुलफिल्ड। यहां पे आप एग्जांपल दीजिए जो मैंने तीन बार रिपीट किया हूं, इंडियन अपेरल, वेस्टर्न अपेरल, मैन, चिल्ड्रन, किड्स, कौन से सेगमेंट पे आप टारगेट करना चाहते हैं। Once you are decided कि ये मेरा प्राइम सेगमेंट होगा, इस पे मेरा ज्यादा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, फिर आप कस्टमर की नीड को एक्सप्लोर कीजिए और ढूंढिए कि कैसे उन नीड को मैं विद इन द सेम कॉस्ट फुलफिल कर सकता हूं उनकी एक्सपेक्टेशन, ताकि उसी प्राइस पर जो हम कस्टमर को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं वो डेफिनेटली उसको ज्यादा मिले। तो क्या लिखना है एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर में, सबसे पहले डेफिनेशन तीन चीजें, अंडरस्टैंड यूर कस्टमर, अंडरस्टैंड देयर नीड्स and fulfill all the expectation of the customer. फिर यहाँ पे how those need can be fulfilled, ये हमारा first answer नहीं होगा, सबसे पहले होगा हम कौन से segment में कौन से customer को target करना चाहते हैं वो हम decide करें, फिर उसके accordingly उनकी need ascertain करें, और फिर उनकी जो भी need है current और anticipated need उसको हम fulfill करें। ये हो गया आपका पहला fundamental बेटा। Second आपके लिए fundamental है creating a sustainable future, बड़ा अच्छा point है ये EFQM मॉडल के फंडामेंटल में से, कि आप अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहते हो बिजनेस में तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर सक्सेसफुल रहेंगे तो ज्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहां पर मुझे याद आता है TBL का कंसेप्ट जो चैप्टर नंबर 8 में है, TBL
ट्रिपल बॉटम लाइन, ये बोलता है पूरा ट्रिपल बॉटम लाइन का ही कंसेप्ट है, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपकी जो भी प्लान है, आपके जो भी गोल्स है, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, न सिर्फ वो आपको इकोनॉमिकली आपको प्रॉफिट करे, बल्कि एट द सेम टाइम आपको उन प्लान पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते समय, प्लान करते समय यह भी देखना पड़ेगा कि क्या ये जो प्लान है, क्या ये जो स्ट्रेटेजी है, क्या ये जो गोल है, ये एनवायरमेंट को कहीं डैमेज तो नहीं कर रहा है, क्या ये मेरे सोशल फंक्शन को फुलफिल कर रहा है, क्या सोसाइटी को कहीं हार्म तो नहीं कर रहा है। मतलब एक सस्टेनेबल फ्यूचर तब बन पाएगा जब इकोनॉमिक फ्रंट पर भी आप ध्यान देते हो एंड एट द सेम टाइम आप इकोनॉमिक फ्रंट के साथ साथ एनवायरमेंटल और सोशल फ्रंट पर भी ध्यान देते हो, तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर होगा। अब यहां पे आपको अप्लाई करना है, तो यहां पे देखिए एनवायरमेंटल फ्रंट पे हम क्या बोल सकते हैं, जो भी लेदर के प्रोडक्ट होते हैं इस अपैरल इंडस्ट्री में वो एनिमल स्किन्स के होते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप एनिमल्स को किल करके वाला लेदर यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इको जो सिस्टम है अपना, एनवायरमेंटल सिस्टम, वो डैमेज होता है। फिर उस लेदर को क्लीन और के लिए बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज लगते हैं, वाटर एंड एनर्जी लगेगा, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं एनवायरमेंट डैमेज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए आपको एनवायरमेंटल फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सोशल फैक्टर आप यहाँ पे ले सकते हो, बेटा आपके इंडस्ट्री में कहीं भी चाइल्ड लेबर तो यूज नहीं हो रहा है, और थोड़ा रिमोट अगर अपन चले, जिस सप्लायर से आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आपकी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट द लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी आपको पता लगता है कि आपका सप्लायर चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है, सो दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ सोसाइटी, तो आपको ऐसे सप्लायर से हमेशा रिस्ट्रेन करना चाहिए कि हम वो सप्लायर कभी भी नहीं लेंगे जो सोसाइटी के लिए वर्क नहीं कर रहे। तो पहला फंडामेंटल था आपका एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, सेकेंड फंडामेंटल है आपका क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, थर्ड फंडामेंटल डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी आपकी टेंजिबल एफर्ट्स के रूप में हो सकती है, इनटेंजिबल एफर्ट्स के रूप में हो सकती है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब आपके इनटेंजिबल्स हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाना, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली टेंजिबल एफर्ट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इनटेंजिबल एफर्ट। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको अगर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो आपको बिजनेस एक्सीलेंस क्या मदद करेगा, बेटा आपके पास टोटल 30 रिटेल स्टोर्स है, फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक जाना पड़ेगा आपको, टोटल 30 रिटेल स्टोर्स है। आप अगर एक इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम जो ईआरपी के थ्रू बहुत इजीली हो सकता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अगर आप ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी को और एक्सपांड करने के लिए, तो इससे फायदा क्या होगा, आप रियल टाइम पर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप रियल टाइम पर अपने पूरे रिटेल स्टोर का इन्वेंट्री देख पाओगे। जैसे ही इन्वेंट्री लेवल एक लेवल से कम हो जाता है आपके स्टोर में, तुरंत आप उसको रिप्लेनिश करने की प्रोसीजर स्टार्ट कर दोगे, ताकि कभी भी कोई भी स्टोर में स्टॉक आउट की सिचुएशन ना हो। सेकेंड आप ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना। जितनी जल्दी आप मार्केट का जो ट्रेंड चेंज होने वाले हैं उनको आप समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में ये वाला फैशन ज्यादा चलेगा, इस टाइप का फैब्रिक ज्यादा चलेगा, ये वाली डिजाइन ज्यादा चलेगी, जितना जल्दी आप उस ट्रेंड को पकड़ पाएंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाइए R&D पे कि कंज्यूमर का टेस्ट जो है, प्रेफरेंस वो किस ओर अब जाएगा, तो बिफोर हैंड अगर आप उसको पहले ट्रेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। दिस इज द थर्ड पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, थर्ड पॉइंट इज डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग विद एगिलिटी। व्हाट इज एगिलिटी? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड द मार्केट चेंजेस रिलेटिंग टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। यहां पे अनडाउटेडली आप अपने 30 रिटेल स्टोर्स को तो ऑपरेट कर ही रहे हो, आप एक्सपांशन भी कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डे बाय डे जो आपके रिटेल आउटलेट है उनका इंपॉर्टेंस अब खत्म हो रहा है ड्यू टू ई कॉमर्स एक्टिविटी। तो आप कोशिश कीजिए, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स में एंटर करना। अगर आपने एंटर नहीं किया तो फिर परफेक्ट आप एक ऑफलाइन सेगमेंट में जाएंगे, जबकि अनडाउटेडली जो शिफ्टिंग हो रही है ऑफलाइन से ऑनलाइन में वो बहुत ड्रास्टिक हो रही है। तो एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टाइमली एंटर कर लिया तो न सिर्फ आपको एक ऑफलाइन का बेनिफिट मिलेगा बल्कि आपको ऑनलाइन मार्केट भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो
ये चार पॉइंट हुए बेटा फंडामेंटल, फिर नेक्स्ट पॉइंट जनरल आईसीआई ने भी समझाया, हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मतलब एक ऐसा वर्किंग एनवायरमेंट हम तैयार करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमेशा प्रमोट करता हो कुछ ना कुछ नया करने के लिए, और जब भी एम्प्लॉय कुछ ना कुछ नया करता है आप उन्हें मोटिवेट कीजिए। तो यही कल्चर अगर रहेगा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का, तो कोई बाहर के एक्सपर्ट आपको डेवलप नहीं करना पड़ेगा, खासकर आपकी अपैरल इंडस्ट्री में जो वैल्यू है कस्टमर को, जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, दैट इज द न्यू ट्रेंड, इनोवेटिव थिंग। तो जितना ज्यादा आप इनोवेट करेंगे अपने प्रोडक्ट को उतना ज्यादा कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज लीडिंग विद विजन, इंस्पिरेशनल एंड इंटीग्रिटी, और लीडर के ऊपर बोला गया, बहुत फोकस किया है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल ने लीडरशिप के ऊपर, और एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरी फेवरेट भी है, लीडर शेप द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट से लीड करता है उसकी सोच डिसाइड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस दे पाएगी। फिर सक्सेडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ पीपल, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, दिस इज नॉट इनफ इन द करेंट एनवायरमेंट, यू शुड हैव अ केयरिंग एटीट्यूड, लगातार उसको मोटिवेट करना है आपको, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करना है उसके एफर्ट्स के लिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार मैं जो अपने एफर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ कंपनी मुझे बदले में उसका रिटर्न भी देती है। तो सक्सेडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ पीपल एक बहुत अच्छी लाइन है इससे रिलेटेड, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव सक्सेस विदाउट द हेल्प ऑफ देयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अगर सिर्फ आपके साथ फिजिकली है तो मान के चलिए आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, अगर वो मेंटली भी आपके साथ अवेलेबल है डेफिनेटली तभी आप बिजनेस एक्सेलेंस अचीव कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, एक्सेलेंस को एक ऐसी टर्मोलॉजी नहीं है कि बेटा वन टाइम एक्सरसाइज है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक आप इस बिजनेस में लगातार आपको नए नए जो भी बेंचमार्क आ रहे हैं उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने एक्सेलेंस को सस्टेन कर पाओगे। तो एक्सेलेंस ही सिर्फ अचीव करना ही इसका टारगेट नहीं है, उसको सस्टेन करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस आर द 8 फंडामेंटल्स ऑफ EFQM मॉडल, अ वेरी फेमस मॉडल अमंग द बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। नेक्स्ट जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे बेटा, तो इसका रिक्वायरमेंट पार्ट है फिर आपका लास्ट पॉइंट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्राइटेरिया ऑफ द मॉडल इन जनरल टर्म्स। तो यहां पे आपको बताना है क्या इनेबलर्स है और क्या उसके रिजल्ट है। इनेबलर्स मतलब आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज द रिजल्ट, दोनों में रिलेशनशिप, आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वे उस अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। सो देयर आर टोटल ऑफ 5 इनेबलर्स एंड 4 रिजल्ट। क्या क्या इनेबलर्स है थोड़ा जल्दी से लेता हूं बेटा, इसको बहुत सिंपल है, आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो डेफिनेटली आप भी इसको कर पाएंगे। सबसे पहला है लीडरशिप, दे डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डेफिनेटली इनके ऊपर बहुत, जब भी CEO या MD चेंज होता है ना बेटा बहुत सोच होती है कि हमारी कंपनी को कौन लीड कर रहा है, जो लीड करेगा डेफिनेटली पूरा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में उसी प्रकार का डेवलप होता है, और जो लीडर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम पर लेके हम फुलफिल करें। न सिर्फ उनके पास लीडरशिप स्किल होती है बल्कि वो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करके अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। तो आप एक बार ये पढ़िएगा बेटा, स्ट्रेटेजी दिया है, फिर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है बेटा, आज आप जहां पे है और कहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। आज मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे पहुंचना चाहता हूं, तो यहां से यहां मैं कैसे पहुंचूंगा उसको मैं बोलता हूं स्ट्रेटेजी। वापस आज मेरा करंट लेवल और मेरा एक्सपेक्टेड लेवल, इस लेवल में जो डिफरेंस है, करंट लेवल से मैं अपने एक्सपेक्टेड लेवल तक कैसे पहुंचूंगा, इसी पूरे प्लान प्रोसीजर को मैं बोलता हूं ये मेरी स्ट्रेटेजी है। फिर यहां पे पीपल आ गया, फिर वही एम्प्लॉय एंड पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, मुझे नहीं लग रहा है मैं इस लेक्चर में इसको कवर करूं बेटा, दे आर वेरी सिंपल, व्हाट आर द 5 इनेबलर्स एंड व्हाट आर द 4 रिजल्ट। बढ़ूं अब मैं आगे, चलिए अब आते हैं अपन सेकंड केस स्टडी, जो है आपका TQM से रिलेटेड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये केस सिनेरियो वेरी गुड केस सिनेरियो, इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ आपने जनरल आंसर लिख दिया यू विल नॉट गेट द मार्क, न सिर्फ इसमें आपका थ्योरेटिकल नॉलेज काम का है बल्कि एट द सेम टाइम आपको यहां पे चीजों को क्वेश्चन वाइज अप्लाई करके भी बताना है। तो लेट स्टार्ट बेटा केस स्टडी, केस सिनेरियो नंबर 2 अवेलेबल इन स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 48। ZX इज अ न्यू बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज अबाउट टू ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांचेस। कंपनी को अभी अभी बैंकिंग लाइसेंस मिला है, ये अपनी फर्स्ट ब्रांच अभी ओपन करने वाले हैं।
company believes that it needs to offer potential customer a new banking experience if it is to win customer from other bank. Bank का मानना है लगभग हर बंदे के पास, हर organization के पास आज कोई ना कोई बैंक में उसका अकाउंट है. अगर हम चाहते हैं वो कस्टमर हमारे बैंक के साथ जुड़े, तो हमें उन्हें एक बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं, हमें एक यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस उनको देना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम उन कस्टमर का ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग बैंक से अपनी बैंक में शिफ्ट करा सकते हैं. सोच बहुत अच्छी है कंपनी की. वेयर इज अदर बैंक, मतलब जो एग्जिस्टिंग बैंक है, हैव फोकस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ बैंक चार्जेस. आज की तारीख में जितनी बैंक है वो आपस में कॉम्पीट करती है थ्रू इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ बैंक चार्जेस, कि हमारी बैंक में आपको टर्म डिपॉजिट का रेट ज्यादा है, आप हमारे यहाँ टर्म डिपॉजिट ओपन कराइए. ये उनकी स्ट्रेटेजी है आज की. हमारे यहाँ पे आपको कम लेंडिंग रेट ऑफर होता है, कम डॉक्यूमेंटेशन है, आपको लोन का परसेंटेज ज्यादा मिलता है, ये उनकी स्ट्रेटेजी. जबकि कंपनी बिलीव करती है, ये वाली कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा, दैट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द चॉइस मेड बाय कस्टमर. जब हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को बोलेंगे आप हमारे बैंक में अपने ट्रांजेक्शन कीजिए, तो वो हमसे पूछेगा, चेक करेगा कि आप हमें क्वालिटी सर्विस दे पाओगे, क्या आप हमें टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी. इन दो एरिया पर अगर हम फोकस करेंगे, कंपनी बोलती है क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, तो डेफिनेटली हम कस्टमर को एक न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस दे पाएंगे. यही होता है बेटा, क्वेश्चन को अगर आपने बारीकी से पढ़ा है तो आपको जो शुरुआत है ना वो क्वेश्चन से मिल जाएगी. और इस पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए, न्यू एक्सपीरियंस आप कैसे देंगे कस्टमर को, इसके लिए खुद उसने बोल दिया क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस. अब अपना यहाँ पे इमेजिनेशन पार्ट चालू होगा कि एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम क्वालिटी ऑफ सर्विस कब बोलेंगे, एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम अवेलेबिलिटी, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस कब बोलेंगे, ये अपना डिस्कशन अभी होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. आइए इसके रिक्वायरमेंट पार्ट में, एक्सप्लेन हाउ TQM वुड इनेबल कंपनी to gain competitive advantage in the banking sector. आप हमें ये बताइए कि अगर कंपनी TQM के थ्रू competitive advantage, ये अगेन चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है. competitive advantage आप दो एरिया से अचीव करते हो बेटा, पहला लो कॉस्ट एडवांटेज और दूसरा डिफरेंशियल एडवांटेज. तो डेफिनेटली कहीं भी इस क्वेश्चन का फोकस लो कॉस्ट पे नहीं है, कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं बोला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंशियल एडवांटेज हमारा फोकस है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट इज डिफरेंशियल एडवांटेज अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ TQM. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे TQM का थ्योरेटिकल नॉलेज लिखना है बेटा, उसके बाद फिर आपको अप्लाई करके देना है कि TQM आपको कैसे मदद करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग को डिफरेंशियल एडवांटेज में कन्वर्ट करके फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाए. देखिए क्या स्ट्रक्चर है बेटा जो मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किया हूं. सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहला पार्ट जो होगा आपके इसका आंसर का, वो होगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन TQM, क्योंकि सबसे पहले उसने बोला है, एक्सप्लेन भी बोला है, तो न सिर्फ आपको यहाँ पे TQM के बारे में एक जनरल डिस्कशन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर जो लास्ट पार्ट होगा इसका, देन डेफिनेटली दैट पार्ट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट. और एप्लीकेशन पार्ट पूरा फोकस करेगा दो वर्ड पे, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस. जो क्वेश्चन नहीं हमें दिया है उसके बिना अगर हमने आंसर दिया तो एप्लीकेशन पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा. तो देखिए TQM के बारे में हम क्या लिखेंगे, क्वालिटी इज परस्यूड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम कस्टमर व्यू पॉइंट. मतलब हमें लगता है कि हमारा बेटर प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, लो रिस्क है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कस्टमर को अगर लगता है कि ये वाला फीचर क्वालिटी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में लो रिस्क है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो TQM शुरुआत करता है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कि वॉट कस्टमर बिलीव, वो चीज अगर आप डिलीवर करोगे तो आप क्वालिटी दे पाओगे. तो सबसे पहला, क्वालिटी परस्यूड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम कस्टमर व्यू पॉइंट. एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ है एडवर्ड डेमिंग का, जिन्होंने TQM को एडवर्ट किया है, इट इज नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट. आई रिपीट, इट्स नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो वॉट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट. यू मस्ट नो वॉट टू डू, आपको कौन बताएगा आपको क्या करना है, आपका कस्टमर आपको बताएगा थ्रू फीडबैक, थ्रू इंटरव्यू, कि भैया कहां पे गलती हो रही है, कस्टमर क्या चाहता है, वो आप डिलीवर करेंगे तो आपने क्वालिटी डिलीवर किया. सेकंड लिखेंगे हम इसमें,
व्हाट इफ टीक्यूएम, टीक्यूएम इफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर द प्रायोरिटी, मतलब हमारी शुरुआत, हमारी प्लान, हमारे एक्शन, हमारे स्ट्रेटेजी पूरा फोकस रहेगा कस्टमर ओरिएंटेड। एक्सपांडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनल सर्वे, ऊब चुका है कस्टमर वो पुराने प्रोडक्ट के पुराने फीचर्स के साथ, आज मॉडर्न वर्ल्ड में वो आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उसको नई मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइड करो। इनकॉर्पोरेटिंग द कस्टमर नीड्स इन द कंपनीज प्लान एंड स्ट्रेटेजी। और फिर एक लास्ट, इसको अपन खत्म करेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट को इसके, कि जब भी आप टीक्यूएम में खर्चा करते हो दैट शुड बी एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ कॉस्ट। जब भी आप टीक्यूएम, मान करो 5 लाख रुपए आपने स्पेंड किया, आप ये मत मानिए कि हमने ये खर्चा किया, आप ये मानिए कि हमने क्वालिटी पर इन्वेस्टमेंट किया है जो हमें आने वाले कई सालों तक बेनिफिट करेगा। कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो बता रहा है, एम्प्लॉइज पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, डिफरेंट एरिया। तो पहला करीबन मेरे ख्याल से अगर ये 10 मार्क्स का केस सिनेरियो है तो आपके रजिस्टर का 60-70% पेज आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज टीक्यूएम, टीक्यूएम किस पे फोकस करता है और टीक्यूएम के फिर कैसे इन्वेस्टमेंट माने, हम उसको कभी भी कॉस्ट व्यू नहीं करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एप्लीकेशन पार्ट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हम टीक्यूएम के द्वारा कस्टमर को न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस दो चीजों से डिफाइन होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड द सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। क्वालिटी ऑफ सर्विस की जब भी बात आएगी तो जो भी हमारी क्वेरी है, क्या वो हमारा बंदा ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू या ऑनलाइन टेलीफोनिकली वो रिजॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो तभी कर पाएगा बेटा जब उसको ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट ऑफ टेक्निकल उसको नॉलेज हो। न सिर्फ उसको आरबीआई के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसका नॉलेज हो, कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो, चार्जेस हो, उसका नॉलेज हो, प्लस प्लस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रन करता है उसमें जो अलग अलग फंक्शन है जो आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे रहे हो, उसके फीचर्स, जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है हर एरिया में उनके पास नॉलेज अवेलेबल होगा। तो जब भी कस्टमर अपनी क्वेरी पास ऑन करेगा उन बंदों को तो वो टाइमली मैनर पर उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, जिसके कारण हमारी कंज्यूमर कंप्लेन कम होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली माउथ पब्लिसिटी के द्वारा हम दूसरे कस्टमर अपने यहां एक्वायर कर सकते हैं। और फिर वही कस्टमर केयर का भी बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई होना चाहिए। मतलब आज की तारीख में बेटा अगर प्रैक्टिकली देखें तो न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस ये है, मैं ब्रांच विजिट नहीं करना चाहता। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है नेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में, मैं चाहता हूं टेलीफोनिकली ही वो रिजॉल्व कर दिया जाए। तो वो बंदों को भी इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर को टेलीफोनिकली ट्रेन कर पाए कि उनको क्या करना चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट ये क्वालिटी ऑफ सर्विस, डेफिनेटली दैट विल बी अराइव्ड थ्रू ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, नॉट ओनली द ब्रांच एम्प्लॉय बट ऑल्सो द कस्टमर केयर एम्प्लॉय। सेकेंड उन्होंने बोला था अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, मतलब टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। जब आप पूरी अपने बैंकिंग आवर्स को देखेंगे बेटा, तो अगर आपका बैंक 9:30 इन द मॉर्निंग ओपन होता है और इवनिंग में 5 तक रहता है, तो आप देखेंगे पूरे करीबन 7-8 आवर्स में आपके पास रश इक्वल नहीं होता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जो पीक टाइम होता है जहां पे जनरली रश ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल में, यहाँ पे जनरली आप देखेंगे तो मॉर्निंग के टाइम में और जब बैंक क्लोजिंग का टाइम होता है कंपैरेटिवली ज्यादा रश होता है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि उस टाइम पे आपके पास जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर आपके पास 3 कैश काउंटर है तो तीनों कैश काउंटर ऑपरेटिव होना चाहिए। उन कैश काउंटर में वो बंदे ऑपरेट करें जिनकी कंपेरेटिवली स्पीड ज्यादा हो, जिससे कम समय में वो अपने कस्टमर को सर्विस दे पाए। तो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस का मतलब होगा जब भी जो पीक टाइम होता है, इसी प्रकार से जब आप अपने पूरे मंथ को एनालाइज करेंगे तो जो फर्स्ट वीक ऑफ मंथ होता है उसमें जनरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स में, क्योंकि वहां पे पेंशन आती है, वहां पे सैलरी आती है, तो विड्रॉल वगैरह के ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में आपके पास कंपेरेटिवली मैन पावर ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण आप अपने जो नॉन अर्जेंसी वाले वर्क है वो आप पोस्टपोन कर सकते हो 2nd, 3rd, 4th वीक से, जिससे आप अपने बंदों को 100% क्यू टाइम से बचा के उनको टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस देंगे। दैट्स ऑल बेटा, खत्म हो गया। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको एक माइंडसेट देता हूं। अगर आप सोचेंगे केस स्टडी इम्पॉसिबल है तो मान के चलिए वो इम्पॉसिबल आज भी है, आपके अटेम्प्ट में भी रहेगी। एक माइंडसेट बेटा यहां पे काम करता है सीए फाइनल। सीए फाइनल इज नॉट अबाउट 100% टैलेंट, यहां पर 50% टैलेंट चाहिए, 50% आपका पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए।
आप अगर एक बार मन में सोचेंगे कि नहीं यार चीजों में मेहनत तो है, अनडाउटेडली अगर हम कंपेयर करेंगे इंटर के कॉस्टिंग को और फाइनल के कॉस्टिंग को, या फाइनल के ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस के बाद, तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है, रियली कोई कंपेरिजन नहीं है। इट डजंट मीन कि इम्पॉसिबल है बेटा, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट आप देखेंगे, मैं बोलूंगा एवरेज स्टूडेंट आराम से 60-70 प्लस इस पेपर में स्कोर कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, कोई भी बच्चे ने कोई भी टीचर के साथ पढ़ाओ, बहुत सारे बच्चे, दूसरे बच्चे भी बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं हमारे बच्चों के अलावा भी। कहने का मतलब उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है जिसके कारण ये सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है? सिंपल सा रूल है, टैलेंट सभी बच्चों के पास है। यहां तक पहुंचे हो, सीए फाइनल की स्टेज तक पहुंचे हो, 4-5 साल आपको बीत चुके हैं बेटा इस पूरे सीए के स्टूडेंट लाइफ में, तो टैलेंट तो है आपके पास। अगर टैलेंट नहीं होता तो आपके बहुत सारे दोस्त सीपीटी फाउंडेशन में छूट चुके हैं, कुछ एक दोस्त इंटर के बाद फाइनल में पहुंचे ही नहीं। आप यहां पे पहुंचे हो तो टैलेंट तो है, बस जरूरत किस बात की है? एक माइंडसेट की, कि आईसीआई हमसे इस सब्जेक्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर उस पर हमने मेहनत करना स्टार्ट किया, देखिए कभी भी नए रोड पे अपन जाते हैं तो जो जर्नी होती है ना शुरुआत में बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लगता है यार ये वाले रोड पे नहीं जाना है, हम अपने पुराने रोड पे ही चले, मतलब जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे वैसे ही पढ़े, लेकिन फिर आप उसमें अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे ना बेटा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आईसीआई की सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, शुरुआत में आपको 2-3 चैप्टर में केस स्टडी केस सिनेरियो टफ लगेंगे। एक बार आपने जान लिया कि यार केस स्टडी केस सिनेरियो का अल्टीमेटली स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इनको सोचना होता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपके लिए एक इम्पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन है कि आप 2-3 चैप्टर के बाद इसमें कॉन्फिडेंस फील ना करें। तो माइंडसेट पॉजिटिव रखिए बेटा, नया करना है, हो सकता है कुछ केस स्टडीज रियली में टफ हो, वो आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, तो ठीक है आपने अगर उसमें मेहनत बढ़ा दिया। सिंपल सा रूल है, जो केस स्टडीज या जो चैप्टर्स आपको केस स्टडीज में टफ लग रहे हैं, अगर आप उसमें अपनी मेहनत बढ़ा देंगे डेफिनेटली, तो डेफिनेटली बेटा वो भी एक मॉडरेट रूप में हो जाएगा। तो 100% अचीवेबल है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास रिसोर्सेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके पास टाइम है। जिन बच्चों का नवंबर 20 अटेम्प्ट है, मई 21 अटेम्प्ट है, आपके पास टाइम है बेटा। टाइम नहीं होता तो फिर चीजें प्लान भी नहीं की जा सकती है, एग्जीक्यूट करना तो बहुत दूर की बात है, अभी आपके पास टाइम है। पैनिक मत होइए, आराम से कूल माइंड से सोचिए कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी पढ़ना सिखाया था कि दोनों क्वेश्चन में जो अप्लीकेशन पार्ट है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन से ही मिल रहा है। तो ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपने दो बार पढ़ते हो तो एक बार तीसरी बार भी पढ़ लो, हो सकता है दो रीडिंग में जो आपको नहीं समझ में आया हो वो थर्ड रीडिंग में अगर आपको क्लिक हो गया तो आप आराम से क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस के ऊपर एक्सप्लेनेशन देके पूरे 10 out of 10 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। अ वेरी हॉट टॉपिक इन द ईयर 2020, क्योंकि अकेला नया टॉपिक है जिसपे आईसीआई ने केस स्टडी ड्राफ्ट करके इस साल दिया है, एंड दैट इज थ्रू आरटीपी मई 2020। बहुत कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल बोलूंगा इसमें, आज भी जब मैं देखता हूँ यूट्यूब में लेक्चर्स इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो इंडियन ऑथर्स के हो, फॉरेन ऑथर्स के हो, स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो आती है कमेंट बॉक्स में जब वो पढ़ते हैं, तो इसमें अभी भी मुझे लगता है बहुत स्कोप है इसमें इंप्रूवमेंट का, कि अल्टीमेटली ये होता क्या है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, शुरुआत के 2 मिनट में मैं आपके मन में क्लियर कर दूंगा कि वॉट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, तो फिर इसके अंदर के कंटेंट पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, सबसे पहला पॉइंट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। प्रॉफिट शेयरिंग आपने सुना है, साल भर ऑर्गेनाइजेशन जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका इतने परसेंट हम सभी एम्प्लॉयज में सैलरी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, जहां पर हर एम्प्लॉय को प्रॉफिट में कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा, irrespective of companies, irrespective of their own performance. Gain sharing arrangement is not the profit sharing arrangement. Gain sharing arrangement कहीं भी एक bonus arrangement भी नहीं है। Bonus आपने inter level पे पढ़ा है, हाल्फे प्लान, रोवन प्लान, कि अगर आपने कम समय में ज्यादा यूनिट हमें बना के दिया, I repeat, कम समय में आपने ज्यादा यूनिट बना के दिया, तो जो आपने टाइम हमारा सेव किया है उसके कारण हम आपको बोनस प्रोवाइड करेंगे। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज नॉट द बोनस शेयरिंग अरेंजमेंट। तो फिर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है? इसका जो दूसरा नाम है ना बेटा, वो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। द अदर नेम ऑफ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज
cost saving arrangement. The other name of gain sharing arrangement is cost saving arrangement. एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है बच्चों की बहुत बार, क्योंकि मैं जो क्वेरी लेता हूं मेरे पास जो भी बच्चा क्वेरी पूछता है मैं कोशिश करता हूं, या तो YouTube के द्वारा पूछ रहा है या उसको मेरा पर्सनल नंबर पता है तो उसमें WhatsApp करता है, चाहे वो मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं कि बच्चे की क्वेरी आई है तो सॉल्व करूं. मैं कमिट नहीं करता कि बेटा मैं हर क्वेरी सॉल्व करता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेरीज मैं सॉल्व करता हूं, चाहे वो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो. तो उनमें एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि सर क्या ये एग्जाम्पल गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का हो सकता है, कि एक सीए फाइनल स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में अरेंजमेंट हुआ कि एक काम कीजिए आप अभी हमारी पेनड्राइव क्लासेस ले लीजिए, अभी आपको एक रुपए का भी पेमेंट नहीं करना है, अगर आप पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुली चार्टर्ड बन जाए तो फिर बाद में आप अपनी सैलरी में से हमें एक परसेंटेज शेयर करा देना, अगर आप उस अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए तो आपको एक रुपए भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है. क्या सर ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है? अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं. दिस इज नॉट द गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, दिस इज अ गैम्बलिंग अरेंजमेंट. गैम्बलिंग और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में अंतर है बेटा, गैम्बलिंग और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में अंतर है. जरा ध्यान से सुनिए क्या है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान के चलिए आप अपने लिए एक बंगलो बना रहे हैं, आपने एक पीस ऑफ लैंड परचेस कर लिया, प्लॉट आपने परचेस कर लिया, अब आप कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हो कि कौन आपके लिए वर्क करेगा. ठीक है, एक एस्टिमेट लिया गया. ध्यान समझिएगा बेटा, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. एक एस्टिमेट लिया गया कि यार 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर हम अपना बंगलो बनाएंगे तो हमें कितनी कॉस्ट आएगी. एक आपने ओवरव्यू लिया तो आपने देखा कि आपको बताया गया 3000 एरिया का अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए आपको 25 लाख रुपी का रॉ मटेरियल लगेगा. रॉ मटेरियल में सभी आ गया बेटा, सैंड, सीमेंट, टाइल्स, बाथ फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, ये सब आ गया, प्लस 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 जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो आर्किटेक्ट अपन मान लेते हैं, जो आर्किटेक्ट है, चलिए थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दूं अगर आपको लग रहा है कि कम है, 35 लाख रुपी का रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा, प्लस जो आर्किटेक्ट है वो आपसे 10% कमीशन चार्ज करेगा. वो सिविल इंजीनियर भी है और अपने आप में वो आर्किटेक्ट भी है, तो 10% वो कमीशन चार्ज करेगा. अब 35 लाख रुपी का रॉ मटेरियल लगना है, 10% मुझे आर्किटेक्ट कम इंजीनियर को देना है, तो लगभग मान के लिए 38.5 लाख के आसपास मेरे को लगता है कि मेरा ये 3000 स्क्वायर फीट में घर बन जाएगा विद रीजनेबल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. नहीं तो कोई लिमिट नहीं है बेटा, ये 50 लाख में भी बनता है, यही कोई कोई लोगों के 5 CR में भी बनते घर इतने एरिया में, तो देयर इज नो लिमिट. एक रीजनेबल अपन बोलेंगे तो आराम से 40 लाख में आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बेसिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम द फर्नीचर. अब व्हाट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. अब मैंने उस इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बोला कि भाई देख, तेरे 3.5 लाख रुपए तो बिल्कुल फिक्स्ड हो गए, क्योंकि तूने बोला है 35 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, अंदर का बाथ फिटिंग आ गई, टाइल्स आ गई और इलेक्ट्रिक फिटिंग आ गई, इसके 35 लाख रुपए लगेंगे, इसका 10% 3.5 लाख. ठीक है, डन, हम तुझे आर्किटेक्ट फी 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं. क्यों ना अपन एक अरेंजमेंट करें, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा ना, व्हाट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होगा कि आर्किटेक्ट को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा. आर्किटेक्ट को ये तो फिक्स है कि उसे 3.5 लाख मिलना तय है. अब मैं उसके साथ एक ऐसा अरेंजमेंट कर रहा हूं कि आप मेरा जो 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है इसमें मेरी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप मेरा ये घर आपका इनोवेशन के द्वारा, आपकी एफिशिएंसी के द्वारा, आपके इफेक्टिवनेस के द्वारा, अगर यही क्वालिटी का घर अगर आप मुझे कम पे बनवा दो तो आपको 10% कमीशन तो मिलना तय है, उसके अलावा जो भी आप मेरी कॉस्ट सेविंग कराओगे, जो भी आप मेरी कॉस्ट सेविंग कराओगे उसका भी एक शेयरिंग मैं आपके साथ करूंगा. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कॉस्ट सेविंग अरेंजमेंट. मतलब इस अरेंजमेंट में आर्किटेक्ट या इंजीनियर अपना 100% दे रहा है कि कैसे मैं इस कस्टमर का जो भी क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो 35 लाख से कम बनाऊं. अब दो सिचुएशन हो सकती है बेटा, इंजीनियर ने पूरे अपने एफर्ट्स दिया उसके बावजूद भी वो क्वालिटी का घर 35 लाख से कम में नहीं बना. इट मींस इंजीनियर को जो बेसिक कमिटमेंट दिया गया था 10% का वो उसे मिल जाएगा 3.5 लाख रुपए,
उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने एफर्ट्स तो दिया लेकिन वो एफर्ट्स उसके रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, कहीं भी हमारे क्लाइंट की हमारी कॉस्ट को बचा नहीं पाया। तो उसने एफर्ट्स दिया लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है, उसने एफर्ट्स अपने लगाया कि वही क्वालिटी में कैसे हम वेस्टेज कम से कम करें, क्या इनोवेटिव वर्क करें कि बंदे को क्वालिटी वही मिले लेकिन उसके 35 लाख नहीं लग रहे, अब उसके सिर्फ 31 लाख रुपए लग रहे हैं। तो भाई तेरा 10% तो फिक्स्ड है, अब तूने हमारे कितने रुपए बचाया, 4 लाख रुपए बचाया। अब ये 4 लाख रुपए जो हमारे बचे है, इसमें से जब एक पोर्शन हम तेरे साथ शेयर करते हैं, दिस इज नोन एज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि सप्लायर यहाँ पे गैम्बलिंग रिस्क ले रहा है, या तो उसे एक भी रुपए नहीं मिलेंगे या तो फिर उसको शेयरिंग होगी। एक बेसिक जो उसका पेमेंट है वो तो वो ले जाएगा, अगर वो अपने एफर्ट्स के द्वारा मेरे खर्चे बचा पाता है तो मेरे जो खर्चे बचेंगे उसमें से फिर हमारी शेयरिंग और भी होगी। दिस इज नोन एज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है बेटा ये इसी से रिलेटेड है, एक हेल्थ केयर कंपनी से रिलेटेड है कि हेल्थ केयर कंपनी पहले वो सर्विसेज खुद देती थी, अब उसने वो आउटसोर्स किया, तो अनडाउटेडली आउटसोर्सिंग पार्टनर को पेमेंट तो रेगुलर बेसिस पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उस आउटसोर्सिंग पार्टनर की सर्विसेज के कारण हमारी कॉस्ट बच जाती है तो जितनी कॉस्ट वो हमारी बचा पाएगा अपने एफर्ट्स के द्वारा उसमें भी हम उससे एक शेयरिंग करेंगे। दिस इज नोन एज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो एक बार पढ़िए बेटा, मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, केस स्टडी नंबर 3rd में, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, आपको बताता हूं इसमें क्या क्या लिखना है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए बेटा पढ़ लिया आपने, तो देखिए फर्स्ट पैरा क्या बोल रहा है, हमारी कंपनी का नाम है राया हेल्थ केयर लिमिटेड, हम हेल्थ केयर फैक्टर में है मुंबई में, हमारे पास 450 पेशेंट बेड है, डायग्नोसिस भी हम करते हैं और डे केयर स्पेशलिटी फैसिलिटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे डायग्नोसिस सेंटर पे हम ट्रेडिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए, जो आज की तारीख में इनफ नहीं है, खुद ये बोल रहा है। पेशेंट को वेट करना पड़ता है कई वीक तक सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए, जिसमें उनकी जो इलनेस है, जो डिजीज है, उसको डायग्नोसिस करने में डिले होता है, उसमें वेस्ट ऑफ टाइम होता है, रिसोर्सेज भी जाते हैं, न सिर्फ रेडियोलॉजी में बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अब सोचा जो डायग्नोसिस सिस्टम वाली सर्विस है इसको हम आउटसोर्स कर देते हैं ल्यू लाइफ को, जिसका पास वर्ल्ड क्लास नॉलेज है इस फैक्टर का, जो हमें रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट भी दे देगा विद इन 24 आवर्स, जो आज की तारीख में हमारे वीक्स लगते थे वो रिपोर्ट हमें 24 आवर्स में दे देगा।
लेकिन जो हमारी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है उसको लगता है ये प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट नहीं होगा, जिसमें सामने वाले के पास जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं विथ नो गारंटी ऑफ रिसीविंग पेमेंट, जो कंडीशन है वो इस प्रकार की है कि जो भी कॉस्ट सेविंग होगी फर्स्ट ईयर में वो रिटेन करेगा हमारा आउटसोर्स पार्टनर, जो भी कॉस्ट सेविंग होगी सेकेंड और थर्ड ईयर में वो दोनों के बीच में इस प्रकार से शेयर किया जाएगा, और जो भी कॉस्ट सेविंग होगी फोर्थ ईयर में वो पास ऑन कर दिया जाएगा हमें, और ऐसा कोई भी आइडिया जो एक्सक्लूसिवली हमने दिया है उसके कारण जो कॉस्ट सेविंग हुई है उसमें कोई भी शेयरिंग नहीं की जाएगी। तो यहां पे आपका रिक्वायरमेंट पार्ट है डिस्कस द अरेंजमेंट बिटवीन राया एंड लीव लाइफ, मतलब हमारे और हमारे जो आउटसोर्सिंग पार्टनर है इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है ये डिस्कस करना है। सो दिस एग्रीमेंट इज नथिंग बट अगेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। पहले आप थ्योरेटिकल पॉइंट बताएंगे केस स्टडी नंबर थर्ड में कि व्हाट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, उसके बारे में आप पूरा बता देंगे कि इट इज एन अप्रोच टू द रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट और अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द एडजस्टमेंट प्रोवाइड बेनिफिट टू बोथ द पार्टी। सेकेंड और थर्ड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग इज वेयर अ सप्लायर एग्रीज टू परफॉर्म इट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ नो गारंटी ऑफ रिसीविंग अ पेमेंट। वो आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्किटेक्ट को कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगा, वो अपना 10% कमीशन तो अर्न करेगा ही करेगा। नो गारंटी ऑफ रिसीविंग अ पेमेंट का मतलब ये है आपने अपने एफर्ट्स दिया लेकिन आप हमारे कोई भी खर्चे कम नहीं कर पाए, कोई भी हमारी कॉस्ट नहीं रिड्यूस कर पाए, तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा फिर हम आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे आपके एफर्ट्स के लिए। जो बेसिक पेमेंट था वो आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने हमें कोई भी कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट सेविंग करके नहीं दिया, आपने एफर्ट्स किया हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, यस यू हैव डन योर 100% एफर्ट, लेकिन अगर वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो यू हैव नो गारंटी ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसे मिल रहा है ना दैट इज नोन एज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। आप हमारे पैसे बचा के दीजिए, हम आपको आपके बेसिक पेमेंट में जो भी हमारे पैसे बचे हैं उसका भी एक शेयर हम आपको देंगे, दिस इज नोन एज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। अब आप बताइए सबसे पहले क्या जो अरेंजमेंट हुआ है दोनों के बीच में क्या गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है? बिल्कुल ये 100% कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि यहां पे जो तीन कंडीशन है ना विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, फिर कॉस्ट सेविंग कौन किसके साथ कितने कितने परसेंट शेयर करेगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेविंग, ये 100% गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है जिसमें सप्लायर अपने इनोवेशन के द्वारा अपने एफिशिएंसी के द्वारा हमारी कॉस्ट को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाया रिजल्ट में कॉस्ट सेविंग तो हो सकता है उसको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट ना मिले। जीरो पेमेंट यहां पे लिख रहा है मतलब जो उसने एफर्ट्स दिया है कॉस्ट रिड्यूस करने के उसके बदले उसको कोई बेनिफिट ना मिले, या हो सकता है उसने जो एफर्ट्स दिया वो नंबर्स में भी कन्वर्ट हो पाया, हमें भी कॉस्ट सेविंग हुई तो हमने अपना एक कॉस्ट सेविंग का पोर्शन उसके बाद शेयर किया। तो यहां पे फाइनेंशियल गेन होगा हमें कॉस्ट सेविंग के रूप में, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल गेन होगा इस अरेंजमेंट में, और वो है कि ना सिर्फ वो हमें कॉस्ट सेविंग करके देगा, मतलब आज की तारीख में जो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है वो रिड्यूस होगा, बल्कि हमारे द्वारा जो डायग्नोसिस होने में वीक्स लग जाते थे वही बंदा अब हमें रिपोर्ट अगर 24 आवर्स में देगा, तो नॉन फाइनेंशियली हम अपने पेशेंट को टाइमली डायग्नोसिस कर पाएंगे उसकी इलनेस, तो उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी चालू कर पाएंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे द्वारा हमारे पेशेंट को जो दी जा रही है वो बढ़ जाएगी। अब लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क लिख देंगे, गेन शेयरिंग हमेशा एक विन विन सिचुएशन होता है दोनों के लिए, सप्लायर को पता है जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से उसको बेसिक पेमेंट मिल रहा है, सप्लायर को यह भी पता है कि अगर अपना वो अपने 100% एफर्ट से ज्यादा दे जिसके कारण हमारी कॉस्ट अगर बच जाए, एज अ कस्टमर हमारी कॉस्ट अगर बच जाए तो हम अपना 1% आपके साथ भी शेयर करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं बेटा आपको इसका, अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में, मान के चलिए मेरी जो फैक्ट्री है उसकी अप्रोच रोड बनाने का मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हूं एक बिल्डर को कि भाई मेरी फैक्ट्री का ये जो 700 मीटर्स का रोड है अप्रोच रोड है आप इसको मुझे बना के दीजिए। डीलिंग ये हुई कि उस अप्रोच रोड के लिए मैं उसको 7.5 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा,
600 मीटर वो रोड बनाना है उसे, कितना पेमेंट करूंगा मैं कॉन्ट्रैक्टर को? 7.5 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा। तो क्या मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दिया? नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल आता है या जो भी मेरा फिनिश गुड्स कस्टमर को डिलीवर होता है, मैं उसको जो कच्चा रास्ता होता है मैं उसके थ्रू थोड़ा घूमना पड़ता है मुझे, अब एक अलग रूट लेके मुझे अपने फैक्ट्री में एंटर करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ मेरा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा बढ़ जाता है बल्कि मेरा फ्यूल कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। तो मान के चलिए हर दिन के मैं यहां पे एक्स्ट्रा 3000 रुपी इनकर्ड कर रहा हूं पर डे, 3000 रुपी पर डे मैं यहां पे इनकर्ड करता हूं, पड़ रहा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट अप्रोच रोड नहीं है जिसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हूं सामने वाले को। अब इसने बोला है कि सर ये जो रोड है ये मैं आपको 30 डेज में कंप्लीट करके दूंगा। अगर वो 30 डेज में मुझे कंप्लीट करके दे देता है तो मैं उसको 7.5 लाख का पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर उसने यही रोड वही क्वालिटी जो मैंने उससे एक्सपेक्ट किया हूं, अगर वो 22 डेज में कंप्लीट कर देता है, मान के चलिए कितने डेज पहले, 8 डेज पहले, तो हर दिन जो मेरे एक्स्ट्रा 3000 रुपए रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे हैं, अब मैं वो बचा पाऊंगा 8 × 3000, कितनी कॉस्ट सेविंग उसने मुझे करके दिया, 24000, क्योंकि उसका कमिटमेंट था 30 डेज में कंप्लीट करके देगा। मैं भी एग्री हो गया कि मैं आपको 7.5 लाख दूंगा। अब अगर वही प्रोजेक्ट वही रोड वही क्वालिटी का वो अगर मुझे 22 डेज में करके दे देता है तो उसको 7.5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस प्लस कितने डेज उसने जल्दी यहां पे रोड कंस्ट्रक्ट करके दिया, 8 डेज, मल्टीप्लाई बाय मेरे कितने रुपए बचे, 3000, टोटल में कितने 24000 रुपी जो मेरे बचे है उसका एक पोर्शन, इस 24000 को मैं बोलूंगा मेरी कॉस्ट सेविंग हुई, इस 24000 का एक पोर्शन अब मैं उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ शेयर करूंगा। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। यहां पे उसने मेहनत किया तो 22 डेज में बना पाया, हो सकता है उसने अपनी तरफ से तो मेहनत किया कि 30 डेज से कम में बन जाए, लेकिन कोई भी हालत में वो 30 डेज से कम में नहीं बन पाया, तो उसके एफर्ट्स लगे, लेकिन उस एफर्ट्स के बदले मैं उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दूंगा क्योंकि मुझे फिर उसका कोई भी डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ 7.5 लाख ही मिलेंगे। उम्मीद है बेटा क्लियर है। जब भी यहां पे आप लिखते हैं विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा, उसको 7.5 लाख रुपए बचे दूंगा, लेकिन चूंकि उसकी तरफ से मुझे कोई भी कॉस्ट सेविंग नहीं हुई तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ भी मुझसे डिमांड नहीं कर सकता, इसके बावजूद कि उसने मेहनत जरूर किया था कि मेरे पैसे वो बचा पाए। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द 3 टॉपिक वी हैव स्टडीड टिल नाउ। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज TQM, द सेकंड टॉपिक इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव स्टडीड विद दिस स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर इज बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। अब अपन आते हैं, अपने पास 2 केस स्टडी है जो है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है बेटा, चलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास एक केस स्टडी आपको मिलेगी, केस स्टडी नंबर 4, चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 21 में मिलेगी आपको ये। और एक दूसरी केस स्टडी, और मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छी केस स्टडी है, लेकिन वो ना तो आपको स्टडी मटेरियल में RTP MTP में मिलेगी, वो ICAI की वेबसाइट पे करीबन मान के लिए 15-20 क्वेश्चन केस सिनारियो केस स्टडी एडिशनल क्वेश्चन के रूप में टोटल में 15-20 क्वेश्चन है। उसमें एक क्वेश्चन है मेमोरेबल ट्रेवल्स का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो आपसे 100% अप्लीकेशन स्किल डिमांड करता है, तो वाला क्वेश्चन भी अपन ने यहाँ पे कवर किया है। माना वो स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन उसके बिना मैं नहीं मानूंगा मैंने इस चैप्टर की केस स्टडी पूरी कवर किया। तो लेट्स स्टार्ट केस स्टडी नंबर 4 जो पेज नंबर 13.21 में है आपके। तो बेटा एक काम कीजिए, आप एक बार जल्दी से इसको रीडिंग लगाइए, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ इसके रीडिंग के लिए, फिर मैं पहले आपको एक बेसिक बताऊंगा कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देना है प्लस अप्लीकेशन स्किल देना है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू दैट। तो फर्स्ट यू शुड हैव अ रीडिंग ऑफ 5 मिनट ऑफ दिस क्वेश्चन केस स्टडी नंबर 4। जितने ध्यान से आप इन 5 मिनट में बेटा इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इस न्यू सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एंड दैट इज रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी जितनी आप इंप्रूव करेंगे अपनी उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, उतना इजीली फिर चीजें को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए 5 मिनट देता हूं, आप एक बार अपने लेवल पे पूरा इसको अच्छे से पढ़िए।
चलिए बेटा स्टार्ट करूं। तो आपने पढ़ लिया इसको अच्छे से, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। रिक्वायरमेंट पार्ट अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो न सिर्फ इसमें आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखना है शुरुआत में, फिर बाद में आपको इसको अप्लाई करना है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। कहां लिखा है सर कि हमें थ्योरेटिकल लिखना है? मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे आपको प्रूव करके देना पड़ेगा कि क्यों आप इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल नॉलेज से शुरुआत करेंगे और बाद में फिर एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे। आप जब रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ेंगे क्लियर कट लिखा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब यहां पे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देना है या दूसरे शब्दों में मीनिंग देना है, फिर आपको उसकी प्रोसेस बताना है, फिर आपको इवेल्युएट करना है उसकी अप्लीकेबिलिटी इन द क्वेश्चन। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम आज फेस कर रही है हमारी कंपनी वो बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स बिजनेस में अगर हमारी कंपनी जाती है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ई कॉमर्स सेक्टर में कैसे हेल्पफुल होता है कंपनी के लिए, ये आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। क्या क्या बोला मैंने बेटा, सबसे पहले अगर आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे तो वहां पे लिखा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब आपको नहीं तो भी मेरे हिसाब से रजिस्टर का एक पेज, आपके रजिस्टर का एक पेज बिल्कुल इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, डिफाइनिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर उसके बारे में जो जो आपका नॉलेज है मेन मेन पॉइंट्स आपको पूरे लिखने पड़ेंगे, फिर आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा अप्लीकेबिलिटी पार्ट में कि क्यों मेरा क्लाइंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगाएगा, आज क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताइए, फिर ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो जाएगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो बताइए, और फिर इसी रिक्वायरमेंट पार्ट की सेकेंड लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला है ई कॉमर्स बिजनेस में अगर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लगाना चाहते हैं तो क्या हम ई कॉमर्स बिजनेस में लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, एक सबसे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा कि आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेसिक नॉलेज है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कि जब भी अपन केस स्टडी चालू कर रहे हैं तो एक अज्यूम करके चलूंगा कि आपको बेसिक नॉलेज है। जहां जहां मुझे लगता है बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, मैंने वहां पे कंपैरेटिवली समय बहुत ज्यादा लिया क्योंकि मुझे पता था वो एक वीक एरिया है स्टूडेंट कम्युनिटी का, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं वहां पे समय ज्यादा दूं समझाऊं। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट मुझे लगता है लगभग 50-60% बच्चा कंफर्टेबल है। जहां पे वो आपको दिक्कत आती है वो एरिया मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में डेफिनेटली मेरा फोकस उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि न सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं बल्कि मैं आपको पॉइंट समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस क्वेश्चन की, ड्यू टू द वर्ड्स इन द रिक्वायरमेंट पार्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला है, तो सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग से शुरुआत करूंगा। ये जो मीनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता मीनिंग इसके बिना कंप्लीट होगी, आपको लिखना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इज द फ्लो ऑफ मटेरियल, इज द फ्लो ऑफ कैपिटल और फाइनेंस। ये आपको आपकी स्टडी मटेरियल में लाइन दिया हुआ है, जब उसने बताया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में जब वो बता रहा है तो वहां पे लाइन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम तीन फ्लोस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मटेरियल का फ्लो अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा जब हम सप्लायर से डील कर रहे हैं तो दैट इज अपस्ट्रीम चेन, जब हम अपने कंज्यूमर से डील कर रहे हैं तो देन इट इज डाउनस्ट्रीम चेन। तो दो चेन है यहाँ पे, एक है अपस्ट्रीम फ्लो, एक है डाउनस्ट्रीम फ्लो। अपस्ट्रीम फ्लो में भी तीन प्रकार के फ्लो चाहिए हमें, मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लो, एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल फ्लो। इसी प्रकार से जब हम डाउनस्ट्रीम फ्लो की बात करते हैं, मतलब व्हेन द फ्लो इज रिलेटेड टू अवर कंज्यूमर, टू अवर इंटरमीडियरीज चेन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर, तो इसको डाउनस्ट्रीम फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें तीन फ्लो चाहिए, मटेरियल का फ्लो, दैट इज यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैपिटल का फ्लो। तो व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? इट इज द फ्लो, इट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कैपिटल। सिंपल वर्ड्स में बोलना है तो हर एक्टिविटीज जो स्टार्ट होती है मेरी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से, सप्लायर से, और खत्म होती है टिल एंड कंज्यूमर, इस बीच में जो भी एक्टिविटी आती है, आप यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट जोड़ सकते हो, प्राइमरी एक्टिविटीज का, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिर आपका मार्केटिंग एंड सेल, एंड फाइनली सर्विस। हर एक्टिविटीज जो स्टार्ट होती है मेरी सप्लायर से, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर वेयरहाउसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फाइनल कंज्यूमर, ये पूरी मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
तो पहले मैंने डिफाइन कर दिया, फिर आप चाहो तो यहाँ पे और एक्सटेंशन दे सकते हो बेटा कि सप्लाई चेन जो है यहाँ पे दो फ्लो होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक होता है अपस्ट्रीम फ्लो, व्हेन द फ्लो इज रिलेटेड विद सप्लायर इट इज नोन एज अपस्ट्रीम फ्लो, फिर आप डाउनस्ट्रीम फ्लो के बारे में बता सकते हो, फिर आप यहाँ पे चाहे तो आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में आईफे ने समझाया है कि अपस्ट्रीम फ्लो में कैसे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, डाउनस्ट्रीम फ्लो को आपको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आप डिस्कशन दे सकते हो। मैटर बहुत है आपके पास, पूरा आपको देखना पड़ेगा मार्क्स कितने अवॉर्डेड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर अब मैं आऊंगा क्वेश्चन स्पेसिफिक, अब मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है आज की तारीख में इस क्वेश्चन में। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रोडक्शन प्लानिंग की, यहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंगली हम कहीं भी प्रोडक्शन प्लान नहीं कर रहे हैं एडहॉक, हम जो बना रहे हैं वो कस्टमर खरीदेगा, हम इसमें जी रहे हैं, जबकि हमें जीना चाहिए कंसेप्ट है पुल सिस्टम, जब कस्टमर डिमांड करेगा तब हमें प्रोडक्शन प्लान करना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे कंपनी को होल्डिंग पीरियड, आप देखेंगे तो मेरे मुझे जो ध्यान है लगभग 45 डेज का होल्डिंग पीरियड है, जबकि इंडस्ट्री में वही इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जब 15 टू 20 डेज है, ये सेकेंड प्रॉब्लम है। वर्किंग कैपिटल साइकिल इसलिए हमारी ब्लॉक हो रही है, ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम हमारा बहुत बेकार है, यहाँ पे मंथ में सिर्फ हम एक बार अपने स्टोर का ऑर्डर फुलफिल कर पाते हैं और सेंट्रलाइज वेयरहाउस में हमारा माल जाता है, फिर वहां से रिक्विजिशन रेज होती है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा आज की तारीख में ऑपरेशन है ये पुश सिस्टम पे, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं बेटा, एक पुल सिस्टम ऑफ बिजनेस, दूसरा होता है पुश सिस्टम, तो आज की तारीख में जनरली हम पुश सिस्टम ऑफ बिजनेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि जीआईटी बोलता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलता है आपको पुल सिस्टम पे वर्क करना चाहिए, मतलब कस्टमर की जब डिमांड जनरेट होती है उसको आपको रिस्पॉन्ड करके अपनी पूरी प्लानिंग करना चाहिए, ना कि पहले से प्रोडक्शन प्लान करके रखे जैसा यहाँ पे हो रहा है। अब एफसीएम से क्या क्या बेनिफिट होगा कुछ दिमाग नहीं लगाना बेटा, जो जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपने बताया है उसी को अब आप कन्वर्ट कर दीजिए बेनिफिट्स में, तो बेनिफिट हो जाएगा आपके एफसीएम प्रोसेस का। अब जस्ट एक बार इमेजिन कीजिए बेटा, अगर आप मीनिंग लिख देते हैं आपकी 4 से 5 लाइन कंप्लीट, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फ्लो के बारे में बता देते हैं और आपकी 4 से 5 लाइन कंप्लीट, टोटल 10 लाइन आपका मैटर हो गया। फिर आप ये प्रॉब्लम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एक एक पॉइंट में एक एक दो दो लाइन तो लिखेंगे, तो ये करीबन 10 लाइन आपकी हो गई, 20 लाइन का मैटर हो गया। फिर जब आप इन्हीं प्रॉब्लम को बोलेंगे अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगा देते हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो ये बेनिफिट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बेनिफिट में आपकी फिर से 10 लाइन हो गई, तो अगर आप देखेंगे तो 30 लाइन्स का यहाँ पे मैटर ऑलरेडी हो चुका है। आपको एक लिमिट रखना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मुझे कौन से पॉइंट में कितना लिखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, दूसरा मुझे यहाँ पे करंट सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है वो भी बताना है, और मुझे ई कॉमर्स के बारे में बताना है, तो तीनों पॉइंट को मुझे इक्वल वेटेज देना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफसीएम वर्क कैसे करता है, टोटल यहाँ पे 4 स्टेप आपको बताना है, प्लान, पुश टू पुल, मतलब यहां पे जब कस्टमर डिमांड जनरेट होगी तब हम प्लान करेंगे, कब हम प्रोडक्शन प्लान करेंगे, हम बिना कस्टमर डिमांड के कभी भी अपना प्रोडक्शन प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे सप्लायर से स्टार्ट नहीं होता, ये चेन स्टार्ट होती है कस्टमर से, स्टार्ट होकर सप्लायर पे एंड होती है। फिर प्रोक्यूर, हम तभी रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करेंगे और उतना ही करेंगे जितना हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बोला सप्लायर आपके अनरिलायबल है, मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सप्लाई नहीं करते, तो एफसीएम में आप उन्हीं सप्लायर को अपनी लिस्ट में रखोगे जो आपको आपके अकॉर्डिंगली, आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपके टाइम के अकॉर्डिंगली आपको मटेरियल सप्लाई कर पाए। मेक का मतलब फिर प्रोडक्शन करना, जितना कस्टमर ने पुल किया है डिमांड उतना प्रोडक्शन करेंगे, फाइनली हम उसको अपने लॉजिस्टिक या आउटसोर्स लॉजिस्टिक के द्वारा कस्टमर को प्रोडक्ट टाइमली मैनर पर डिलीवर कराएंगे। ठीक है बेटा, तो क्या क्या हो गया, मीनिंग हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, फिर आप बता देंगे एफसीएम कैसे ऑपरेट करता है 4 स्टेप के थ्रू, फिर जो आपने प्रॉब्लम बताया था उसी को कन्वर्ट कर दीजिएगा आप एफसीएम के बेनिफिट में। मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे 40 लाइंस का मैटर हो गया है, आप विश्वास नहीं मानोगे, आप एक बार लिख के देखिएगा, यू विल नो कि हाँ 40 लाइंस हो चुकी है। तो लेंथ देना कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ क्वेश्चन का अगर आपने स्ट्रक्चर ध्यान रखा कि मेरे को रिक्वायरमेंट पार्ट के अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉइंट है उनमें मैं क्या क्या लिखूंगा, एक बार शुरुआत करने से पहले, लिखने से पहले 2-3 मिनट आप स्ट्रक्चर को दीजिए, डेफिनेटली कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार कोई पॉइंट में हमने ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, जबकि दूसरा पॉइंट जिसमें इक्वल मार्क्स थे हमने उसमें लेंथ बहुत कम दिया। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ई कॉमर्स, क्वेश्चन ने बोला है कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट ई कॉमर्स में काम आएगा, तो अगर हम बैकबोन की बात करें ना ई कॉमर्स की,
तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बिना आप ई कॉमर्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री के, इस सेगमेंट के दो फीचर्स है। पहला फीचर है डिलीवरी। यहां पे बंदा चाहता है बिल्कुल टाइमली डिलीवरी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, ये जो भी वेबसाइट है सक्सेसफुल क्यों है बेटा? इवन यहां पे अमेजन में अगर आप देखोगे, अगर आप प्राइम मेंबर्स हो तो आपको सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी गारंटीड देता है। हाउ इट्स पॉसिबल? ओनली थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द ई कॉमर्स बिजनेस। तो ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल इसलिए है, आज आपने ऑर्डर किया, शाम तक आपको नेक्स्ट डे भी डिलीवरी हो जाती है सिलेक्टेड सिटीज में। दूसरा 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 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर से कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करके आपको ऑर्डर दे सकता है, आपको गुड्स उस तक पहुंचाना पड़ेगा। एज अपोज टू योर करेंट सिस्टम, जहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिटेल स्टोर के थ्रू ही आप अपना ऑपरेट करते हो, जबकि यहां पे ऐसा नहीं होगा। ई कॉमर्स में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आज की तारीख में कस्टमर को बहुत डिले होता है प्रोवाइड करने में। दूसरा, आपका जो स्टोर्स थे वो लिमिटेड है, जबकि यहाँ पे कोई भी कॉर्नर से कोई भी कस्टमर आपसे डिमांड कर सकता है। तो प्रेजेंस, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता है। अब किन किन एरिया पर आपको वर्क करना पड़ेगा? कस्टमर ऑर्डर, ये तो मान के चलिए बिल्कुल आप रियल टाइम पे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा कस्टमर ऑर्डर। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपकी प्रोडक्शन टीम को पता लग जाना चाहिए कि हमें इसको प्रोड्यूस करके डिलीवर करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा भी डिले होता है तो कहीं ना कहीं फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन अफेक्ट होता है, जो इस पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, ई कॉमर्स को फेल्यूर मोड में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहला पॉइंट, कस्टमर ऑर्डर को रियल टाइम प्रोसेस करने के लिए आपको आईटी की हेल्प लेना पड़ेगा, और एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है इसके लिए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फिर प्रोक्यूर, ये भी आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए ई कॉमर्स में। अमेजन अगर आप देखेंगे तो रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंचती है उनके सप्लायर को जैसे ही ऑर्डर जाता है, ताकि वो टाइमली मैनर पर उसको प्रोक्यूर करके डिस्पैच कर पाए। तो प्रोक्यूरमेंट के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, जेआईटी में भी आपने पढ़ा हुआ होगा बेटा, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। फिर प्रोडक्शन, यहां पे हम प्रोडक्शन कभी भी इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड नहीं करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं फिर हम कस्टमर को आउटडेटेड प्रोडक्ट देते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में अगर हमें सर्वाइव करना है तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने प्रोडक्ट टाइमली मैनर पे दिया तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो यहां पर एक प्रॉब्लम भी थी क्वेश्चन में कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो जाते थे, तो यहां पे हम पुल सिस्टम लगाएंगे, जब डिमांड जनरेट होगी तभी हम प्रोडक्शन करेंगे, पहले से हम प्रोडक्शन का बफर स्टॉक नहीं रखेंगे। एंड द लास्ट वन, लॉजिस्टिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ ई कॉमर्स। अगर आप इन हाउस लॉजिस्टिक देना चाहते हो तो आपको अपने बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड इस सेक्टर में क्या होती है, क्योंकि आपके बंदे आज इस चीज के हैबिचुअल नहीं है। और अगर आप आउटसोर्स करना चाहते हो तो आपको अपने आउटसोर्सिंग पार्टनर को क्लियर कट बताना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई इस आउटसोर्सिंग से रिलेटेड। देयर शुड बी अ क्लियर सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर लॉजिस्टिक पार्टनर। ठीक है बेटा, तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी है जिसमें अगर आप स्ट्रक्चर वाइज सोच के चलेंगे तो सेकेंड रिविजन में, वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, बहुत ईजिली आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है बेटा, नाउ माई फेवरेट केस स्टडी, इस चैप्टर के अगर सबसे अच्छी केस स्टडी मुझे कोई लगती है तो लास्ट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हूं, ताकि जाते जाते एक बहुत अच्छा फ्लेवर इस चैप्टर का मैं आपको देके जाऊं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईसीआई की वेबसाइट में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल केस स्टडीज। ठीक है बेटा, तो ये एक बार आप पढ़िए अपने लेवल पर इस केस स्टडी को, फिर मैं इसको चालू करता हूं। बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, अगर ये एग्जामिनेशन में आती है और आपने इसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली जैसा मैंने बताया था आप सोच के गए, तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस केस स्टडी। मैं देता हूं बेटा आपको समय, पढ़िए आप इसको 5 मिनट।
चलिए बेटा पढ़ा आपने, तो देखिए फर्स्ट पैर आपको क्या बताता है, हमारे क्लाइंट का नाम है मेमोरेबल ट्रेवल। ये हम टूर ऑपरेटर है जो अपने कस्टमर के लिए पैकेजेस, हॉलिडे पैकेजेस तैयार करते हैं। हम एडवर्टीजमेंट करते हैं आज की तारीख में न्यूज़पेपर और ब्रोचर्स के थ्रू। हमारा बेसिक हॉलिडे पैकेज होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड होता है, स्टे कवर्ड होता है, फूड अट्रैक्शन और एक्टिविटीज कवर्ड होती है। हम पिछले 15 सालों से इस बिजनेस में है। हमने स्टैंडर्ड एग्रीमेंट करके रखा है हमारे सप्लायर के साथ, मतलब अपस्ट्रीम फ्लो, अगर अपन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भाषा में बात करेंगे। हमारा बिजनेस हमेशा हमें प्रॉफिटेबल रहा है, सरप्लस कैश दिया है जो हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाया है। लेकिन रिसेंटली कंज्यूमर से हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही है रिगार्डिंग द पैकेजेस, जिसके कारण कम बंदे हमारे पास आके टूर पैकेजेस ले रहे हैं। फिर हमने पता लगाया कि यार ये कस्टमर कंप्लेन क्यों आ रही है, तो अब कस्टमर का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे डिफर करती है उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली। अभी तक हम एक स्टैंडर्डाइज्ड हॉलीडे पैकेज देते थे, अब हमें पता लगता है कि यार कस्टमर की एज ग्रुप अलग अलग है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो अब कंपनी चाहती है कि हम अपने कस्टमर को कस्टमाइज्ड हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड करें, ताकि उसमें हम उनके पास ऑप्शंस भी बहुत रखें, ताकि उनको सिलेक्ट करने में बहुत इजी जाए। फिर अब मैनेजमेंट चाहती है कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसके 3 रिक्वायरमेंट पार्ट है, और तीनों ही रिक्वायरमेंट पार्ट अपने आप में बहुत अच्छे, और खासकर थर्ड वाले पार्ट के लिए मेरे को ICAI से यहाँ पे कंप्लेन है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, बहुत सारी चीजें ऐसी वो केस स्टडीज में दे देता है जो हमें उनके स्टडी मटेरियल में मिलती ही नहीं है। इट इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपने सबसे पहले भी किया था बेटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के फंडामेंटल ऑफ EFQM मॉडल, वो 8 फंडामेंटल आपके स्टडी मटेरियल में तो दिए थे, लेकिन उनकी डिटेल कहीं ना कहीं नहीं दिया था। तो मैं बिल्कुल मानूंगा एक स्टूडेंट के साथ 100% इनजस्टिस है कि आप पहले ही इतना वास्ट सिलेबस है। आप एक बच्चे से देखिए, बोलने को बहुत अच्छा लगता है बेटा कि बच्चों को अपने लेवल पे भी रिसर्च करना चाहिए, उनको अलग अलग बुक्स पढ़नी चाहिए, उनको नेट पे सर्च करना चाहिए एक एक टॉपिक। प्रैक्टिकली देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है बेटा। जो बच्चे खासकर मेट्रोस में या सेमी मेट्रो में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनकी बॉडी ही परमिट नहीं करती कि वो कुछ रिसर्च में अपना समय दे। 9 बजे बेचारे वो बच्चे जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं, कहाँ उनके पास टाइम है इतना। और जब उनको लीव मिलती है 4-5 मंथ्स की, तो इतना वास्ट सिलेबस है उसी में वो हो जाता है। तो ये बहुत इनजस्टिस है लिटरली ICAI के पास। हम आप लेवल अपना बढ़ाइए, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन कम से कम आप जो कंटेंट दे रहे हैं उन्हीं कंटेंट में से आप अपने आंसर ड्राफ्ट कीजिए, ताकि बच्चों की कॉन्फिडेंस तो मिले यार अटेम्प्ट के पहले कि हाँ ICAI का ये मटेरियल है, हमें इसको बहुत माइन्यूटली पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे। हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में आप कुछ ऐसी चीजें बाउंसर दे देते हो जिसके कारण बच्चा फिर पूरा कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देता है। तो आज के 2 क्वेश्चन बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के जो फंडामेंटल है और जो इनेबलर फॉर रिजल्ट थे, उनके फिर पर सिर्फ आपको हेडिंग दी गई है, कहीं भी अंदर के कंटेंट नहीं दिए गए। जबकि अचानक जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा तो उनके हेडिंग के साथ उनके कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे। टोटल इनजस्टिस यहाँ पे भी यही है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट है, की प्रोसेस जो दिया है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है आपके स्टडी मटेरियल में, और जब आप यहाँ का आंसर देखेंगे तो ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। तो अगेन एन इनजस्टिस इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लेकिन देखिए मजबूरी का नाम ICAI, कुछ कर नहीं पाएंगे अपन, बुराई कितनी भी कर लो अल्टीमेटली यही अपने को डिग्री देगा, यही अपने को आगे एक नाम देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, यही अपनी फैमिली को रन करेगा बेटा। तो ठीक है, जो है जैसा है एज इट इज एक्सेप्ट करते हुए अपन ये मान के चलेंगे कि अब अच्छा है अपने को अटेम्प्ट के पहले ये वाला टॉपिक भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पता है, ताकि अब अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो अब अपन कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि मेमोरेबल ट्रेवल्स क्या ऑब्जेक्टिव लेके चले जब वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है भाई, आपने हमें बेनिफिट गिना दिया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ये बेनिफिट है, हमने मान लिया, अब हमने इसको इंप्लीमेंट तो कर दिया, अब हम क्या ऑब्जेक्टिव माने, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें रिटर्न में क्या देगा, ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरेबल ट्रेवल शुड हैव व्हेन कंसीडर इनकॉर्पोरेटिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इट्स बिजनेस मॉडल। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये मान सकता है बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है विथ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर सप्लायर,
between your intermediaries so that the same product can be delivered to the customer in a very cost effective way. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, आप कोई भी क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी अगर आपको पूछता है कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारे एफसीएम का, तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम यहां पे एक लाइजनिंग मेंटेन करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं अपने सप्लायर के साथ, अपने वेरियस इंटरमीडिएट्स के साथ, ताकि हम अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट उसको चाहिए उसको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर पर, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव पूरा सप्लाई करने की जो कॉस्ट है वो हम लोएस्ट कॉस्ट पर उसको सप्लाई कर पाए, ये हम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। सेकंड ऑब्जेक्टिव देखिए हमें क्या इसमें और बताना पड़ेगा, और क्या, पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। सेकंड है रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर, हमारी सप्लाई चेन तभी इफेक्टिव होगी जब हमारा अपस्ट्रीम भी बेटर होगा, हमारा डाउनस्ट्रीम भी बेटर होगा। अपस्ट्रीम मतलब रिलेशनशिप विद सप्लायर, डाउनस्ट्रीम मतलब रिलेशनशिप विद कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लास्ट केस स्टडी में भी काम आया था डिस्कशन में, यहां पे भी काम आ रहा है। अपस्ट्रीम फ्लो, डाउनस्ट्रीम फ्लो, अपस्ट्रीम रिलेशनशिप विद सप्लायर, इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल फ्लो, कैपिटल फ्लो विद सप्लायर, यहां पे इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड कैपिटल फ्लो विद कस्टमर इज नोन एज डाउनस्ट्रीम फ्लो। तो सप्लाई चेन तभी इफेक्टिव होता है जब मेमोरेबल ट्रेवल का लाइजनिंग बहुत अच्छा है अपने सप्लायर के साथ, एंड एट द सेम टाइम कस्टमर को वो प्रॉपर डिलीवरी दे पाए अपने प्रोडक्ट की। तो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरे लिए दोनों जगह विन विन सिचुएशन होगी, अपस्ट्रीम फ्लो में भी और डाउनस्ट्रीम फ्लो में भी, तो ये दो ऑब्जेक्टिव वो कंसीडर कर सकता है। फिर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा, मतलब 100% एप्लीकेशन ओरिएंटेड पॉइंट है ये, आइडेंटिफाई पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ मेमोरेबल ट्रेवल अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, इसमें कौन कौन से आपके पास सप्लायर होंगे, क्या क्या कंपोनेंट होंगे आपके अपस्ट्रीम में। इसके लिए आपको अपस्ट्रीम का मतलब मैं दोबारा एक बार बोल देता हूं, व्हेन द फ्लो इज रिलेटेड विद सप्लायर देन इट इज नोन एज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको इमेजिनेशन के लेवल पे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो क्वेश्चन में भी आपको इसके कंपोनेंट्स दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूं कहां दिया हुआ है। इसलिए मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट किया बेटा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो बहुत बहुत माइन्यूटली पढ़ो आप उसको, क्योंकि अधिकतर चीजें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है, अपने को क्वेश्चन तभी टफ लगता है जब अपन ने उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया। देखिए क्लियर कट यहाँ पे बताया है आपको, इट इज नथिंग बट योर अपस्ट्रीम सप्लायर। अगर आप हॉलीडे टूर पैकेज प्रोवाइड करते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट वाला सप्लायर के साथ लाइजनिंग करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन आ गया बेटा, जैसे ही अपन हॉलीडे पैकेज की बात करते तो सबसे पहले तो यहाँ पे एयर और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर आ गया, जिसमें एयरलाइंस हो गई, फिर रेल नेटवर्क भी आप यूज करते हो, फिर कैब नेटवर्क भी आप यूज करते हो, सिटी टू सिटी, एयरपोर्ट से होटल ड्रॉप, फिर होटल से रेस्टोरेंट ड्रॉप या एक्टिविटीज के लिए ड्रॉप करना, यहाँ पे भी। तो तीन प्रकार के ट्रांसपोर्टर आपको यहाँ पे लगेंगे, पहला एयर ट्रांसपोर्टर, रेल ट्रांसपोर्टर, दूसरा कैब प्रोवाइडर, इन तीनों के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन और बेटर करना है। फिर खुद ही दिया यहाँ पे स्टे, मतलब लॉजिंग एंड अकोमोडेशन होटल सर्विस प्रोवाइडर, उनके साथ आपको अपने रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे। फूड रेस्टोरेंट के साथ, जब भी हॉलीडे पैकेज होता है तो जनरली उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर, ब्रेकफास्ट तो जनरली उसी होटल में होता है बेटा, डिनर का आप वाउचर दे देते हो कि इस होटल में आपको इस दिन डिनर या लंच है। फिर अट्रैक्शन और एक्टिविटीज के भी अलग सप्लायर होते हैं, उनके साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो जब हम अपने क्लाइंट मेमोरेबल ट्रेवल की बात करेंगे तो इसके अपस्ट्रीम फ्लो में चार प्रकार के सप्लाई आएंगे, एक जो हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डिटेल लिखना पड़ेगा, रेल, एयर और लोकल कैब प्रोवाइडर, फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टे, मतलब लॉजिंग एंड अकोमोडेशन, फूड रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, अट्रैक्शन एंड एक्टिविटीज, ये आपका बात कर रहा है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये अलग अलग टाइप के सप्लायर है जिन सबकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप अपना टूर पैकेज यहाँ पर करोगे। यहाँ पे आप इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो चाहो तो बेटा, देखिए कोई जरूरी नहीं कि आंसर जो आईफे ने दिया वो दिया, वो तो एक आपको एक वे बता रहा है कि आपको इस प्रकार से आंसर देना है। आप इंश्योरेंस कंपनी लिखे, इंश्योरेंस कंपनी क्या काम आएगी यहाँ पे, यहाँ पे वो ट्रेवल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे लिखे करेंसी कन्वर्टर, उनकी भी आपको जरूरत पड़ती है जब आप हॉलीडे पैकेज डिसाइड करते हैं, तो जरूर पूछते कि भाई मुझे दुबई जाना है, वहां के लिए मुझे दिरहम चाहिए, तो वो कस्टमर चाहता है कि मैं उसको मदद करूं उसके करेंसी कन्वर्शन में, तो जो करेंसी यहाँ पे आपके ऑथराइज वेंडर है उनकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइडर लिख सकते हो, फॉरेन करेंसी प्रोवाइडर लिख सकते हो। इस प्रकार के और भी दूसरे बंदे भी हो सकता है आपके साथ यहाँ पे अटैच रहे बेटा, तो ये सब चीजों की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो
तो देखिए ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, सिंपल पॉइंट था, क्वेश्चन में भी दिया था, इमेजिनेशन पार्ट के द्वारा भी किया जा सकता था अगर ना दे दो। अब ये थर्ड पॉइंट जो है ये मैं बिल्कुल बोलूंगा टोटल इनजस्टिस है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन जो हुआ है स्टडी मेट में वो एक अलग लेवल पर दिया है, और जो इन्होंने फिर आंसर दिया है वो टोटली अलग लेवल पे दिया है। ठीक है, पॉजिटिव नोट पे अपन इसको खत्म करते हैं बेटा, आईसीआई की बुराई करने से कोई बेनिफिट नहीं है, थोड़ा बुराई कर लेते अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, क्या यार अपनी गलती नहीं है नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये कहीं भी हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं था। लेकिन अटेम्प्ट देने से पहले अगर हमें ये पता है फिर हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे अपने अटेम्प्ट में कि यार आईसीआई ने इनजस्टिस किया, आईसीआई ने अपनी वेबसाइट के एडिशनल क्वेश्चन में इसको दिया हुआ था, तो अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने को पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, क्या क्या की प्रोसेसेस रहेगी मेमोरेबल ट्रेवल्स के बिजनेस मॉडल में, तो करीबन 7 to 8 एरिया पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अगर आप अपनी की प्रोसेसेस की बात करेंगे। तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, एकदम न्यू चीज है ये आपके लिए, की प्रोसेसेस। सबसे पहले इंफॉर्मेशन फ्लो, बिल्कुल लॉजिकल सिक्वेंस है, सबसे पहले आप अपनी कस्टमर की नीड को जानो, बहुत लॉजिकल है बेटा, पूरा लॉजिकल है, ध्यान से सुनना, एक बार इमेजिनेशन लेवल करना तो बहुत इजी जाएगा आपके लिए फिर इस पूरी प्रोसेस है, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस इंटरलिंक्ड है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहली प्रोसेस है इंफॉर्मेशन फ्लो, जिसमें सबसे पहले मैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानूंगा कि कस्टमर मुझसे किस टाइप का हॉलीडे पैकेज चाहता है, फिर जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो मैं कम्युनिकेट करूंगा मेरे सप्लायर को, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो तो उनको होटल फूड और फिर अपना लास्ट एक्टिविटीज और अट्रैक्शन उनको कम्युनिकेट किया, फिर उन सप्लायर के साथ मैं एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट करूंगा कि भैया ये मेरी क्वालिटी है, आपको एक क्वालिटी मुझे प्रोवाइड करके देना पड़ेगा। फिर जब वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो फिर मैं उस सर्विस लेवल एग्रीमेंट को मॉनिटर करूंगा कि क्या जो भी हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड हुई थी क्या वही क्वालिटी वो डिलीवर कर पा रहे, ताकि उसी अकॉर्डिंगली मैं उनको पेमेंट कर पाऊं। एंड द लास्ट वन, मैं अपने कस्टमर से फीडबैक जरूर लूंगा कि हमने जो आपको क्वालिटी कमिट किया था क्या वो डिलीवर कर पा रहे, हम कंपेयर करेंगे अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट के साथ क्या हमारे सप्लायर ने वो क्वालिटी उनको डिलीवर किया या नहीं किया। तो पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है बेटा, सबसे पहला इंफॉर्मेशन फ्लो, क्या क्या लिखेंगे आप उसमें, सबसे पहले हम अपने कस्टमर से जानेंगे उन्हें अपने पैकेजेस में क्या क्या चाहिए, किस प्रकार के होटल्स चाहिए, 3 star, 4 star, 5 star, बीच होटल चाहिए या सिटी होटल चाहिए, किस टाइप के चाहिए, एयर ट्रेवल में जाना है, नाइट ट्रेवल करना है या डे ट्रेवल, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरा पहचान लेंगे। फिर ये सब चीज हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, अपने डिफरेंट सप्लायर्स को। फिर जब डील फाइनल होती है तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद मॉनिटर करेंगे ताकि उस हिसाब से हम उनको पेमेंट कर पाए, उन्होंने डिलीवर किया, और कस्टमर से फिर फीडबैक लेंगे। देखिए पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है। सेकेंड है कैपेसिटी एंड स्किल मैनेजमेंट। अगर हमें अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है तो हमारी प्रोसेस, हमारे एफर्ट्स और हमारे स्टाफ पे भी हमें अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्टाफ को और वेल ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट तो बेटा कुछ भी नॉलेज क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सर दुबई में ये वाली एक्टिविटी का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, अब ये थोड़ी बोल सकते हैं आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ब्रोचर देख लीजिए, हमें उसका एक्सप्लेन करना है, तो स्टाफ को भी हमें प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, हमें फिर पर फ्रिप क्वालिटी सप्लायर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो माउथ पब्लिसिटी निगेटिव जाएगी उसमें फिर हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और हमेशा हम देखेंगे जो हम कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं क्या वो हमारा उतना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला फ्लो है, पहली प्रोसेस है इंफॉर्मेशन फ्लो, फिर कैपेसिटी एंड स्किल मैनेजमेंट, थर्ड वन इज डिमांड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें अब डिमांड जनरेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की। अभी फर्स्ट पैरा में अगर आप देखोगे सेकेंड लाइन में यहाँ पे लिखा है हम अब प्रिंट एडवर्टीजमेंट करते थे, अब हमें शिफ्ट होना पड़ेगा प्रिंट एडवर्टीजमेंट से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि यहां पर अब जो बिजनेस आता है मेजर वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन आता है, तो हमें अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये दिस इज नोन एज एप्लीकेशन पार्ट, क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हमें कस्टमर को सेगमेंट करना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से एज ग्रुप हमारे पास आता है, बिजनेसमैन आते हैं, सर्विस क्लास आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, और हमें देखना पड़ेगा कौन सा कस्टमर हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ताकि हम अपने बिजनेस एक्सपांशन में उस एरिया पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए। यहाँ पे आप एक चैप्टर का नाम लिख सकते हो, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आप बना के देख सकते हो, कौन सा कैटेगरी ऑफ कस्टमर आपको, या डोमेस्टिक टूर पैकेज या इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, कौन सा टूर पैकेजेस आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा आपका सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके बिना तो आप बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो इस इंडस्ट्री में।
आपको पता होना चाहिए हमारे कौन कौन से पोटेंशियल सप्लायर है, उनसे हम क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट करें, निगोशिएशन कीजिए आप उनके पास, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हम आपसे क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, ताकि फिर बाद में कहीं भी कम्युनिकेशन गैप ना हो। फिर सर्विस डिलीवरी, क्या वो बंदे हमें उसी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, इसको हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी आधार पर हम उनको फिर पेमेंट करेंगे। फिर लास्ट बेटा उसका कैश फ्लो, सर्विस डिलीवरी क्या कितने एक्सटेंड तक उसने हमारे को डिलीवरी दिया, ताकि उस हिसाब से हम उसको पेमेंट करें, और कस्टमर से अगर क्रेडिट में गया वो पैकेज तो रेगुलर फॉलोअप लेकर हम रिकवरी कर पाए। और ये जितने भी प्रोसेस है ये आपस में इंटरलिंक है, तो एक एक्टिविटी का दूसरे के साथ लिंकेज है, तो एक का अगर आप एक्सेल करते हो तो डेफिनेटली आपको दूसरे की प्रोसेस में भी बेनिफिट मिलता है। थोड़ी सी मेहनत बेटा इस लास्ट प्रोसेस में आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टुगेदर एक न्यू टॉपिक है जो आपको स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां तक ये आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 2। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीक आपको मिलता हूं चैप्टर नंबर 3 के साथ, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है रिलेटेड टू सिक्स सिग्मा, 5F एंड BPR। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, GIT जो है वो मोर और लेस प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे केस स्टडीज कम है, लेकिन बचे हुए टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत एंजॉय कर रहा हूं मैं आपके साथ ये यूट्यूब चैनल वाले स्टूडेंट के साथ बिल्कुल एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड करके, उम्मीद है बेटा बेनिफिट आपको इसके मिल रहे होंगे, तो प्लीज प्लीज जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगता है इसमें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें आगे जो चैप्टर नंबर 3 की रिकॉर्डिंग में और मदद करेगा कि हम बहुत जल्दी इसको ला पाए, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो हम आपको डिलीवर कर पाए। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेटा, चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के आनंद की जय।